और दुनिया में रिलेशन तीन चीजों से होते हैं। पहला होता है अभाव में, अभाव मतलब जैसे तुम्हारे घर में कोई काम कर रहा है, उसके पास चीजें नहीं है और तुम उसे दे रही हो तो वो तुमसे जुड़ा हुआ है, एक रिलेशन तो वो है अभाव का। दूसरा रिलेशन होता है प्रभाव में, सब हम सब यूपी के चीफ मिनिस्टर से दोस्ती करना चाहते हैं, प्रभाव। और जो सबसे गहरा रिलेशन होता है वो होता है भाव का, फीलिंग्स, इमोशन, वो किसी कारण से पैदा होती है। पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स वो लॉ से बंधा हुआ है, जिसको हम धर्म भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता देना, ऐसे सब चीजें धर्म से बंधी हुई हैं। ये एकमात्र बीइंग है जिसको धर्म से बांधना पड़ता है, नहीं समझे? सब अपने आप धर्म से बंधे हुए हैं, सब जानवर, पेड़, पक्षी, सब कुछ धर्म से बंधा हुआ है, वो अपना लॉ नहीं तोड़ते। जैसे शेर जो है वो भौंकेगा नहीं, लेकिन आदमी देखो मिमिक्री करता है, भौंकेगा भी, दहाड़ेगा भी, चिगाड़ेगा भी, सारी बोलियां निकालेगा, और जितनी अच्छी बोली निकालेगा लोग उतना ताली बजाएंगे। थैंक यू। तो चूंकि ये धर्म को तोड़ता है इसलिए परेशान बहुत होता है, बहुत बहुत परेशान होता है। तो भारत की कल्चर में एक वर्ड पैदा हुआ, द्विज, बड़ा प्यारा वर्ड है ये द्विज। इसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्म लेना। तो एक बार जन्म आदमी के पेरेंट्स देते हैं जब अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं, और दूसरा जन्म देता है टीचर, गुरु, टीचर नहीं गुरु, टीचर अलग चीज है। ये जो है ये आपको धर्म सिखाता है, और अगर आपने धर्म को पकड़ लिया तो आप आईएस, आईएस तो बहुत छोटी चीज है, भगवान बन जाएंगे बुद्ध की तरह। बुद्ध भी इंसान ही तो थे, भगवान बन गए, राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, सब भगवान। हिंदुस्तान में भगवान का कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे देशों में पैगंबर का कॉन्सेप्ट है, इस देश में भगवान का कॉन्सेप्ट है। भगवत्ता को जो व्यक्ति उपलब्ध हुआ हो, श्रेष्ठता को, हम उसको भगवान ही कहते हैं। जैसे भगवान वाल्मीकि जी को भी भगवान कहते हैं। तो अब और ये काम करता कौन है, ये काम शुरू कहां से होता है? ये काम शुरू होता है एजुकेशन से। मानव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन, बशर्ते एजुकेशन एनलाइटनमेंट के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना हो। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट तो बहुत छोटी चीज है, दिलाई देगी। बड़े सारे लोग हैं जो कभी नहीं पढ़े, एसी बनाने का काम सीख लिया, अच्छा पैसा कमाते हैं, फ्रिज बनाने का काम सीख लिया। बड़े सारे ये जो स्कूटर बाइक वगैरह बनाते हैं, आप देखो उन बच्चों को, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं है। तो हमारी गाड़ी जो बनाता रहीम, वो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसकी पर मंथ की इनकम 10 लाख 15 लाख ऐसे ही है, कारें बनाता है सिर्फ, हर सब तरह की, वो कैश पैसा लेता है, जीएसटी देता नहीं, और मोदी जी को गाली भी देता है। हम तो कहते हैं बेवकूफ, मोदी जी तेरे लिए तो फायदेमंद है, और क्यों? हमने कहा हम 18% जीएसटी देते हैं क्योंकि हमको सारा पेमेंट होता है चेक में और तुम लेते हो कैश में। बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि इसका अकाउंट भी है। पहले के भैया मेरा कोई अकाउंट नहीं, भैया खाता खोला ही नहीं,
एक दिन उसका लड़का मिल गया मुझे, मैंने कहा वो तेरे पापा का अकाउंट खुलवाना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जितने भी लोग गाड़ियां बनाते हैं सबका अकाउंट खोला जाएगा। कहा है तो उनका अकाउंट। मैं कैसे? कहा हम लोग की स्कूल फीस चेक में ही जमा होती है। तब मैंने इससे कहा, मैंने कहा वो तेरा अकाउंट। अरे भैया, तो इसलिए अब जैसे हम लोग आज से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है ना, कुछ और पढ़ना है तो कल तो बहुत लोग पढ़ के गए थे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। इस क्लास में बहुत सारे लोग थे, नहीं तुम पढ़ के गई थी, तुम लोग कल बैठी हुई थी, दोबारा रिवाइज करना है। चलो खैर, तो आप कोशिश ये करें लेकिन जब सम्मान मिलता है तब आदमी को बहुत जागरूक रहना चाहिए। सम्मान मिलने वाले को बड़ा अच्छा लगता है लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उसको होता है। सम्मान अहंकार पैदा करता है, अहम, और अहंकार दिमाग खराब कर देता है। जहां दिमाग खराब हुआ तुम गए। उपलब्धि को हजम करना सबसे बड़ी बात है, उपलब्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको हजम करना। विनोद कांबली सचिन से अच्छे खिलाड़ी थे और ज्यादा उपलब्धि मिली शुरुआत में, पर वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जब सर पे चढ़ जाती है बहुत परेशान करती है, शराब तो कम परेशान करती, वो ज्यादा करती। कुछ लोगों को तुम देखोगी उपलब्धि मिल गई तो चलने का अंदाज बदल गया, बात करने का अंदाज बदल गया, ऐसे खड़े हैं बाजार में तो तुमको देख के लग जाता है कि देखो इसका दिमाग खराब हो रहा है। चलो भगवान आपको तरक्की दे। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, कल कितने लोग थे इस क्लास में? कल की क्लास में कितने लोग थे? ज्यादा लोग थे मुझे लगता है। अच्छा चलो ठीक है, वो फिर से वो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, कल मैंने कहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाई टू स्टडी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को क्यों पढ़ें? और सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, आप जब स्कूल में थे तो आप किसी चीज को पढ़ते थे परसेंटेज के लिए, इसीलिए पढ़ाई आपके लिए जहर बन गई थी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज रोटेट होता था कि मुझे परसेंटेज लाना है तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और ये जो पढ़ाई होती है परसेंटेज के लिए, इसका कोई परिणाम नहीं होता, ये बेकार की पढ़ाई है। ये दुनिया की सबसे वायहात पढ़ाई है परसेंटेज वाली, क्योंकि ये डिप्रेशन का शिकार कराती है लोगों को। परसेंटेज, जिस देश में कंपटीशन होता है हर एग्जाम में, वहां परसेंटेज की क्या वैल्यू है? जब तुम्हें फाइनली कंपटीशन लेना ही है एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, आईए, आईएएस, पीसीएस सब में, तो क्या मतलब है कंपटीशन से? तो परसेंटेज से क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब था 1960-70 में, जब परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलती थी। अभी उसका कोई रोल नहीं है। ये जो पढ़ाई है ये यूजलेस पढ़ाई है, इसमें आपका दिमाग ये एक्टिव नहीं हो पाता कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूं। आपको लगेगा कि चलो मान लो 98% आ गया तो जीवन में क्या परिवर्तन होगा, लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लाइफ में भी यूजफुल है, आप भारत के राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर, और आपने अशोक को पढ़ रखा है,
तो आपको पता है कि जब अशोक भारत का राजा बना तो भारत में ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये तीन धर्म प्रमुख थे। भारत का फिलॉसफी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अशोक ने इस डाइवर्सिटी को डील करने के लिए धम्म का सहारा लिया, लिया ना। अकबर जब राजा बना तब फिर हिंदुइज्म, इस्लाम और बहुत सारे सेक्ट्स, शिया, सुन्नी, शैवाइट, वैष्णवाइट, बहुत सारे सेक्ट। फिर उसने सहारा लिया किसका? तौहीद इलाही का, जिसको बाद में कहा गया दीन इलाही। अब 2024 में आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आज भी भारत डाइवर्सिफाइड है, हिंदू, मुसलमान, सिख। तो ये पीछे का जो इतिहास है ये आपके लिए स्टैंडर्ड बना कि नहीं बना कि डाइवर्सिफाइड भारत में सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है सहारा डेजर्ट में अगर तुम पेप्सी की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी, चलेगी ना। लेकिन सहारा डेजर्ट में की जो कंट्रीज हैं, लीबिया वगैरह, वहां तुमने शॉल बनाने की फैक्ट्री लगा ली, लीबिया में शॉल कौन खरीदेगा? लीबिया में कोई शॉल खरीदेगा? कम रात के लिए खरीदेगा, लेकिन रात के अपने उनकी भोजन इतना प्यारा होता है, ऊंट ऊंट खाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, उनका भोजन बड़ा अच्छा है। अब जहां के लोग सबसे ज्यादा कम नहाते हैं वहां सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होगी? परफ्यूम की, इत्र की। परफ्यूम की सबसे बड़ी मार्केट है यूरोप, 4 महीने बर्फ से ढका हुआ यूरोप, कोई नहाता ही नहीं, बहुत कम तो हाथ धुलते हैं लोग, पानी आता ही नहीं, बर्फ जमी होती चारों तरफ। तो जो लोग नहाएंगे नहीं 10-10 दिन परफ्यूम लगाएंगे, लेकिन इधर पूर्वांचल में 2 टाइम नहाते हैं, सुबह नहाते हैं शाम को भी नहाते हैं कुछ लोग, पानी इतनी ज्यादा है। तो ये सारी बातें तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ने से क्लियर होगा। ऐसे जैसे मैंने यहां लिखा ना मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ें, ऐसे तुम लिखो ज्योग्राफी क्यों पढ़ें। तो ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो तुम्हें समझाएगी कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी का कितना गहरा संबंध है। फिर इकोनॉमी क्यों पढ़े? अब तुमने इकोनॉमी पढ़ लिया, अब बिहार की जो पॉलिसीज तुम्हें बनानी है, यूपी की बनानी है, पंजाब की बनानी है, तो उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर तो पॉलिसी बनाओगे। तो आप किसी चीज को परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है, आप किसी चीज को उसकी यूटिलिटी के लिए पढ़ना है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये मुझे पढ़ने के बाद कितना काम आएगा। देखो यूपी में, बिहार में, इस वक्त लगभग पूरे भारत में जातिवाद, कास्टिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से, कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है ना माने क्यों। अच्छा, वो नहीं मानेंगे उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं, कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें, सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है? हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है? तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई,
लक्ष्मी जी क्या करें, तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। जैसे मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए। ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्यों, हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है, तो सुन के भी अच्छा लगे। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। 72 साल की उम्र में कहते हैं मैं 4 ही घंटा सोता हूं, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं है कि ऐसा कैसे करते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री तो मानना पड़ेगा। अभी मना कर दो तो ईडी उडी का छापा पड़ जाएंगे। अब तुम्हें जो पढ़ना है वो किसी चीज की यूटिलिटी के लिए पढ़ना है। बात समझ में आ गया ना, अब परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कल मुझे फोन कर रही थी। और तुम्हारा भाई कहाँ है? इसको ले आई होती पकड़ के। इनका भाई है, मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूमता हूं, वो भी घूमता है। हमने कहा भैया तुम बेहोश होश हो जाओगे। कहा नहीं चलेंगे आपके साथ। उसके चक्कर में मैंने घूमना ही छोड़ दिया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 पार्ट हैं। ये डायग्राम बनाना और फिर से सब कुछ लिखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री इसके 2 पार्ट है। ये सिलेबस का डिस्कशन है, कोई टॉपिक नहीं है। पूरा सिलेबस मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 पार्ट हैं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड इकॉनमी, सिंपल इकॉनमी, सिंपल इकॉनमी। एग्जाम्पल एक्सचेंज मीडियम। क्या है एक्सचेंज मीडियम? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। एक बाउल राइस के बदले 4 आइसक्रीम। आज गांव, आज भी गांव लड़के बहुत पीटे जाते हैं। आइसक्रीम वाला आया, एक बाउल गेहूं लेके चले गए चोरी से, और आइसक्रीम खा रहे हैं। उधर अम्मा ने देख लिया, बहुत मारा। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, जहां करेंसी नहीं चलती, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती। और प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस। एंड इफ गोल्ड इज प्रेशियस इन इंडिया, इट इज इक्वली प्रेशियस इन यूरोप। अगर सोना जो है भारत में कीमती है तो यूरोप में भी कीमती है। सिंपल इकोनॉमी, कोई भी समझेगा। बट आज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। एग्जाम्पल एक्सचेंज मीडियम क्या है? बिटकॉइन। बिटकॉइन, बिटकॉइन कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल, सबको समझ में नहीं आता। और दूसरा टोकन करेंसी, टोकन करेंसी। मैं धारक को
500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तो वो जो 500 रुपए का नोट है, कागज, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? आरबीआई का गवर्नर के दस्तखत की। वो जो रुपए लेके चलती हो उस पर लिखा नहीं होता मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन दे रहा हूं, उस कागज की कोई कीमत नहीं है। टोकन कीमत है उस दस्तखत की। अमेरिकन डॉलर, जापानीज येन, इंडियन रुपी, सबकी अलग अलग वैल्यू है। तो अमेरिका का डॉलर अमिताभ बच्चन की तरह है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है, हाई वैल्यू है, और इंडियन रुपी अवध ओझा की तरह है, कम वैल्यू है, कम एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इस दोनों के बीच जो अंतर है उसको पता करना है, उसको कहते हैं जटिल आर्थिक संरचना, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, पहला डिफरेंस। दूसरा पॉलिटी, मेनली मोनार्की, मेनली मोनार्की, राजतंत्र। सिर्फ मोनार्की नहीं, सिर्फ मेनली, मुख्यतः राजतंत्र, मुख्यतः राजतंत्र। यहां मेनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, मुख्यतः संसदीय प्रणाली, मेनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोसाइटी, प्रिविलेज्ड क्लासेस, प्रिविलेज्ड क्लासेस, विशेषाधिकार वर्ग, प्रिविलेज्ड, समाज का ऐसा तबका जिसको जन्म से विशेषाधिकार है। कौन? प्रीस्ट, पुरोहित और नोबल्स। पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में विशेषाधिकार वर्ग। क्या? समतावादी, इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन। पहले जो क्लास चली थी उसमें कभी ये पढ़ाया नहीं था ना, नहीं बताया। चौथा रिलीजन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक काल से पूर्व धर्म संविधान था। बाइबल, कुरान, वेद, इनको आपौरुषेय कहा जाता था। आपौरुषेय मतलब इंसानों द्वारा रचित नहीं, ईश्वर द्वारा रचित। अब ईश्वर तो नीचे आके इंप्लीमेंट करेगा नहीं, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा कौन? राजा। तो कौन सा सिद्धांत था? डिवाइन थियरी, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। कौन था राजा? भगवान का प्रतिनिधि। अशोक ने कौन सी उपाधि ली? देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड। कुशानों ने क्या उपाधि ली? देवपुत्र। गुप्तों ने क्या उपाधि ली? परम भागवत। और मध्यकाल के मुस्लिम शासकों ने क्या उपाधि ली? जिल्ले इलाही। आज मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, आदमी द्वारा रचित संविधान। तो आज मोदी जी जिल्ले इलाही नहीं है, आज मोदी जी हैं जिल्ले जमहूरियत। अब वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अकबर अल्लाह का प्रतिनिधि था। थैंक यू। चाय है? चाय। हमें लगा तुमको शंका हो रही है कि क्या पी रहे हो मास्टर। इसको कहा जाता है ओल्ड ऑर्डर, पुरातन व्यवस्था। इसको कहा जाता है न्यू ऑर्डर, नवीन व्यवस्था।
पुरातन, ओल्ड ऑर्डर, ये ओल्ड ऑर्डर है, वो न्यू ऑर्डर है। तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की कहानी। किसकी? पुरातन व्यवस्था से नवीन व्यवस्था की। ऐसे जोड़ के लिख लो कि आधुनिक विश्व इतिहास परिवर्तन की कहानी है, पुरातन व्यवस्था से नवीन व्यवस्था तक। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड ऑर्डर टू न्यू ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर टू न्यू ऑर्डर। हिंदी भी बोले, इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा करो। हाँ तो अभी लिखो इंग्लिश में। बोला तो मैंने पुरातन व्यवस्था से नवीन व्यवस्था, लेकिन इंग्लिश थोड़ी लिखो, है ना? कोई बात नहीं, हिंदी में तुमको नोट्स दे देंगे। ये बढ़िया के लिए आए यार, ये बढ़िया था गुरु। ये बात क्लियर हुई तुम्हें? अगले 15 क्लास में यह पता चलेगा कि राजतंत्र की जगह संसद ने कैसे ले ली। कोई बताएगा इस क्लास में कैसे ले ली? संसदीय प्रणाली के देश में रहते हो लेकिन पता नहीं होगा। कोई ट्राई करेगा? अरे परिस्थितियों के अनुसार ढलने की बात थोड़ी है, हर चीज का कारण है बेटा विश्व में। उसी वजह से तो भारत में भी आई। क्यों? कल पढ़े थे ना क्लास? हाँ तो तब चुपचाप बैठ रहा हो। नहीं नहीं, क्यों पैदा हुई संसदीय प्रणाली? राजतंत्र में नीति नहीं थी? सोच के बता रही हो, पता नहीं है तुम्हें लेकिन ट्राई कर रही हो, है ना? इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य यही था कि तुम्हें बताए कि चीजें ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, तभी तो ये खुलेगा। अभी तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा शिक्षक दिन भर टहलता रहता, तुम उसे देखते ही नहीं हो। बहुत बड़ा शिक्षक, बहुत बड़ा गुरु, तुम उसे देखते ही नहीं हो। अगर उसको दिन में एक बार देख लो, रिक्शा वाला, कोई नहीं कहता पूरे भारत में कि मेरा रिश्तेदार रिक्शा चलाता है। किसी ना किसी के तो होंगे ही। हमारे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, लेकिन ना हम कहेंगे ना तुम कहोगे। सबके रिश्तेदार किसी ना किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं। वो चाहे तुमको रिश्तेदार, हमको ना माने। हो सकता है तुम या हम उनके घर जाएं तो पहचाने ही ना। 20 मिनट तो परिचय देना पड़े। क्यों? मामा के बगल वाला जो गांव है जहां चोर ज्यादा रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मानवीय प्रवृत्ति है ये मानवीय प्रवृत्ति है।
कि गुरु है, किसी एक रिक्शा वाले की फोटो खींच के रख लो, जब पढ़ने का मन ना कहे तो उसको देख लिया करो। हालांकि उसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। मस्त इस तरह से है, मेहनत करता है दिन भर, तो शुगर नहीं है उसको, डायबिटीज नहीं है, 3 किलो मिठाई खा सकता, जितना तुम डिब्बा लाए तो भर के खा ले, तो कम से कम 2 किलो मटन खा लेगा वो। कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं उसको, दिन भर रिक्शा चला रहा है, सब पसीना बह के निकल रहा है, तो 2 किलो मटन खाएगा, कलौटी कबाब और रुमाली रोटी, और कानपुर में एक से एक बिरयानी वाले हैं, लेकिन उसको इस बात की खुशी नहीं है, उसको दुख है कि मेरे पास पैसा नहीं। सुबह निकलोगे झील जाओगे, वहां पे सब अमीर टहलने आते हैं, वहीं झील के सामने एक मशीन वाला लेके बैठता है, शुगर वाली मशीन, चेक करके बताता है कितनी है, ज्यादा है, 350 है, अरे 2 राउंड और मान ले। वहां तुमको कोई मजदूर नहीं मिलेगा, वहां तुमको कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो ये जो आदमी है, इंसान, इसीलिए इसको दिमाग दिया गया कि भैया तुम किसी चीज को ऐसे मत मानो, हर चीज के पीछे एक रीजन है, उस रीजन को पता करो। अब भारत में अगर संसदीय व्यवस्था को मजबूत करनी है तो जहां पैदा हुई उसको पढ़े पहले कि कैसे पैदा हुई। अब भारत के संसद व्यवस्था में और ब्रिटेन की संसद व्यवस्था में एक बहुत जबरदस्त फर्क है। भारत की संसदीय व्यवस्था बहुत, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था बहुत मजबूत है, और भारत की संसदीय व्यवस्था बहुत कमजोर है, बुरी नहीं है, कमजोर है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? अरे एक से एक लीडर है यार, इस कंट्री में लीडरों की कमी है। अभी मुलायम सिंह जी थे, उनसे बड़ा लीडर इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ, प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान, प्राइमरी के शिक्षक, बहुत लोग उनसे चिढ़े भी हैं, सब लोग तुमसे खुश भी नहीं रहेंगे, तुम्हारे माँ बाप में से एक ही तुमसे खुश रहेगा, खुश तो तुम सबको कर ही नहीं पाओगे दुनिया में, लेकिन उस आदमी की अचीवमेंट, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी, अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में, 92 में समाजवादी बनाई, 93 में समाजवादी पार्टी के सीएम। प्राइमरी का टीचर, कोई गांधी फैमिली का आदमी नहीं। तो लीडरों की कमी नहीं है, व्यवस्था। अब ब्रिटेन की व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है, उसका विकास 400 साल में हुआ, 1215 से 1688, 1215 टू 1688। संसद एक दिन में ताकतवर नहीं बनी, धीरे 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 उसमें परिवर्तन हुए। ब्रिटेन में सबको एक बैग वोट करने का अधिकार नहीं मिला, भारत में देखो सबको वोट करने का अधिकार है। अब जैसे तुम कोचिंग में आए हो और तुमने फीस नहीं जमा की है तो तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्लास चलेगी ना चले, लेकिन जिसने जमा की है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो भारत की बहुसंख्यक जनता अभी नहीं जानती कि वोट किस लिए दिया जाता है, वोट किसके लिए दिया जाता है, जानती ही नहीं। जब जानती ही नहीं किस लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है,
तो 500 रुपया उसको बहुत बड़ा लगता है। जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो तुमने सोने की घड़ी पहन रखी है, तुमको पता ही नहीं सोने की है, तुमको पता है घड़ी है, किसी ने कहा 2 लाख रुपया देंगे, अरे तुमने कहा लो यार। जिसकी कीमत नहीं पता होती उसी को तो लोग औने पौने दाम में बेच देते हैं। इस देश के बहुसंख्यक लोगों को वोट की कीमत ही नहीं पता। तो एक बोतल 500 रुपए में दे दिए, ले जाओ। औरत ने कहा तुम्हारा तो फायदा हो गया, हम काहे करें, उसको भी साड़ी पकड़ा दिए ले आके, वो भी दे आई। फिर जिसने पैसा पकड़ा उसने कहा हम तुम्हारे जात के हैं, और मामला मजबूत हो गया, हमारी जात का आदमी। वही जात वाला वोट लेते वक्त तुमसे जात बता देगा, लेकिन जब उसको अपने बेटे की शादी करनी होगी, एक दलित आईएएस एक रिक्शे वाले दलित के घर शादी कभी नहीं करेगा, और ना एक ब्राह्मण आईएएस रिक्शे वाला ब्राह्मण के घर में शादी करेगा। तो इस देश की जो जनसंख्या है बहुसंख्यक, उसको पता ही नहीं चीजें क्या है, क्यों है, कैसे है, तभी तो उसका विकास नहीं हो रहा है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो ये तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ये पूरी कहानी सुनाएगी इस परिवर्तन की, ओल्ड ऑर्डर से न्यू ऑर्डर, इगालिटेरियन समाज कैसे। किसी की मजाल थी यूरोप में कि फादर से जाके बहस कर ले, हिंदुस्तान में सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, यूरोप में कॉपरनिकस जब तक जिंदा था उसने अपने विचारों को बाहर नहीं निकाला, जब मर गया तो उसके विचार उसके शिष्यों ने निकाला, पोप ने उसकी डेड बॉडी निकाल के जलवा दी। लेकिन वहां देखो कैसे सारी चीजें बदल गई, अब कोई पादरी को, बिशप को, पोप को कुछ नहीं कहता। वहां कोई कहता है कि पोप ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, हम पोप को नहीं मानते। क्योंकि वहां अर्थव्यवस्था के साथ राजनीति, समाज सब कुछ बदला, यहां बदलना बाकी है, है ना। तो ये पूरी कहानी हम यहां पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठा कि ये व्यवस्था बदली कैसे, क्या हुआ जो ये व्यवस्था बदली। लिखो इंग्लिश में ही लिखो। दिस स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टेंशन मत लेना, आराम से लिखो। घर में बैठ के तुरंत दिस स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन This story of transformation is related to the relation between West and East. Relation between West and East. West मतलब यूरोप, ईस्ट मतलब एशिया, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। West मतलब यूरोप, ईस्ट मतलब एशिया। This story of transformation is related to the relation between West and East from November to February. Entire Europe
इज कवर्ड विद स्नो फ्रॉम नवंबर टू फरवरी एंटायर यूरोप इज कवर्ड विद स्नो फॉर दिस पीरियड they required for this period they required two things for this period they required two things for their survival two things for their survival पहली सिल्क सिल्क घर में शादी वादी होती है किसी लेडी को गर्मी में सिल्क पहनते देखती हो और पहनी होगी तो हंसी बहुत आएगी गर्मी में सिल्क शरीर का सारा पानी निकाल के बाहर फेंक देगा तो भारत में लोग कॉटन का कपड़ा ज्यादा पहनते हैं और यूरोप में सिल्क उत्पादन की विधि सबसे पहले किसने खोजी थी चीन ने सिल्क उत्पादन की जो विधि है वो सबसे पहले चीन में पैदा हुई थी तो चीन से सिल्क जाता था यूरोप और भारत से तो पहली चीज जो उन्हें जरूरत थी वो थी सिल्क और दूसरी चीज जिसकी उन्हें जरूरत थी वो थी स्पाइसेस मसाला और स्पाइसेस क्या है फ्रूट्स हैं फ्रूट्स किस रीजन के ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन के ट्रॉपिकल रीजन कौन सा रीजन ये 0 degree ये 23.5 degree और ये 23.5 degree ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मसाले यहां पैदा होते हैं इस दोनों ट्रॉपिक के बीच में और यूरोप कहां पड़ता है पोलर रीजन में ध्रुवीय और मसाले यहां पैदा होते हैं और साउथ एशिया दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ट्रॉपिकल रीजन में इसीलिए इंडोनेशिया और मलेशिया को क्या कहते हैं मसालों के द्वीप स्पाइस आइलैंड्स तो पश्चिम के लोग दो चीज पूरब से ले आते थे खासकर एक सिल्क और दूसरा स्पाइसेस का काम क्या है प्रिजर्वेटिव देखो अचार कितने दिन पुराना पड़ा रहता एक तो प्रिजर्वेटिव और दूसरा दवाएं कोरोना में हमें एलोपैथी में नहीं बचाया कोरोना में हमें मसालों ने बचाया एक तो ये प्रिजर्वेटिव है और दूसरा क्या है दवा और इन दोनों चीजों ने पश्चिम और पूरब के बीच व्यापारिक संबंध को स्थापित किया लिख लो These two things played the main role in establishing trade and commerce. These two things played the main role in establishing trade and commerce between West and East. Trade and commerce between West and East. This trade and commerce was maintained by four routes.
दिस ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज मेंटेन्ड बाय फोर रूट्स, चार रास्तों से ये ट्रेड और कॉमर्स चलता था। कौन से चार रास्ते, इसको बना लो, फोर रूट्स। बड़ा डायग्राम है, एक पूरे पेज में बनेगा ये, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। रूट ए सिल्क रूट, चाइना से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, कौन सी कंट्री, ईरान, फिर वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, कौन सी कंट्री, सऊदी अरेबिया, और फिर यूरोप। ये लाइफलाइन, ये पश्चिम और पूरब के व्यापार की लाइफलाइन। चीन से शुरू होता था मध्य एशिया यानी ईरान, मध्य एशिया से पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया से यूरोप। पहला रूट, रूट ए, इसको बोलते थे सिल्क रूट। नाम से ही क्लियर है कि सबसे प्रमुख उत्पाद कौन सा होता था, सिल्क। दूसरा रूट, रूट बी, इसको बोलते थे नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापथ। यह शुरू होता था तक्षशिला से, आज पाकिस्तानी पंजाब, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। पाकिस्तान में, हाँ तो बॉर्डर है ना पाकिस्तान और उसका, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति आज कहाँ है, बांग्लादेश, यानी प्राचीन काल का बंगाल। बांग्लादेश भी बंगाली तो है। तो ये रूट बी था, नॉर्दर्न पाथ, हिंदी में कहते थे उत्तरापथ, उत्तरापथ। इस रास्ते का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सिल्क रूट को इंडो चाइना से जोड़ता था। इंडो चाइना को बोलते थे गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। द कंट्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कौन सी कंट्री, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रियों। ये था रूट बी, सिल्क रूट को कनेक्ट करता था किससे, इंडो चाइना से। वाया उत्तर भारत, ये पूरा उत्तर भारत का एरिया है पूरा, इसीलिए इसको कहते थे नॉर्दर्न पाथ, उत्तरा पथ। रूट बी क्लियर, बता दो कोई डाउट है तो। डाउट बता देना तुरंत, जहां डाउट हो हाथ उठाओ, डरने कोई जरूरत नहीं है। रूट सी, ये रूट सी, इसको बोलते थे सदन पथ, दक्षिणा पथ। ये कहां से शुरू होता था, उज्जैन से, फिर डेक्कन, डेक्कन मतलब तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र, इस एरिया को डेक्कन कहते हैं, और फिर साउथ इंडिया। एंड साउथ इंडिया इज द सोर्स ऑफ स्पाइसेस। फिर यहां इंडोनेशिया और मलेशिया,
ये रूट सी किसको ज्वाइन करता था? सिल्क रूट को, किससे? दक्षिण भारत से और साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया और मलेशिया से। और इसको बोलते थे स्पाइस आइलैंड, मसालों के द्वीप। तीन रास्ता क्लियर। रूट बी क्या करता था? सिल्क रूट को किससे जोड़ता था? इंडो चाइना से। रूट सी क्या करता था? सिल्क रूट को किससे जोड़ता था? दक्षिण भारत से और दक्षिण पूर्व एशिया से। किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया पे कब्जा किया? चोलों ने साम्राज्य बनाया। इसीलिए उत्तर भारत के जितने राजा थे सब दक्षिण पे कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि दक्षिण में क्या है? मसाला। मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड कहां है? यूरोप में। और मसाले के बदले मिलता क्या है? सोना। तुम नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ो, अशोक का कब्जा दक्षिण पे, समुद्रगुप्त का कब्जा दक्षिण पे, अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा दक्षिण पे, मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण पे, अकबर दक्षिण पहुंच गया, औरंगजेब दक्षिण पहुंच गया, सब दक्षिण पे। क्योंकि दक्षिण में क्या है? जैसे आज पूरी दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं वो सेंट्रल और पश्चिम एशिया में कब्जा करना चाहते हैं। किसके लिए? ऑयल के लिए। कोई सूडान पे कब्जा करना चाहता है? सीरिया लियोन, नेपाल, नेपाल पे कब्जा करके क्या मिलेगा? अब तुम डाका डालने गए तो झोपड़पट्टी में कूदोगे, और झोपड़पट्टी में अगर कूदे तो वहां तुमसे बड़े बड़े बैठे हैं, वो फाड़ भी डालेंगे तुमको। वो वैसे ही दुखी बैठे हुए कि भाई साहब जिंदगी वैसे ही परेशान, और तुम कूद गए उनके घर में लूटने के लिए। लेकिन इराक में कूदोगे तो तेल मिलेगा। ईरान में कूदने के चक्कर में है सब। अगला निशाना ईरान ही है, लेकिन ईरान को पकड़ना इतना आसान नहीं है। ईरान को पकड़ना इतना आसान नहीं है। ईरान पर कूदे और अगर गलत पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गल्फ ऑफ हार्मुज, पूरे गल्फ पर ईरान का कब्जा है, और अगर वो गल्फ एक महीने के लिए बंद हो गया तो भारत में फिर से बैलगाड़ी चलेगी, क्योंकि सारा ऑयल और एनर्जी वहीं से आता है। एक महीने को अगर ईरान ने उसको बंद कर दिया किसी तरह से, 6 महीने में तो सब खत्म। भारत, चीन, जापान, ये सब इंटरनेट वेट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एनर्जी के बिना करोगे क्या? ये जो स्कॉर्पियो पे महाकाल लिखा है टहल रहे लोग, वो सब बंद हो जाएगी, उना चलेगी उसके बाद। ईरान की पोजीशन बड़ी जबरदस्त है, इसलिए पश्चिम बहुत प्रिकॉशन ले रहा है उस पर हमला करने से पहले, क्योंकि अगर 6 महीने के लिए उसने उस गल्फ को ब्लॉक कर दिया ये 3 रास्ते। क्लियर? तीनों रास्ते क्लियर? डाउट हो तो बता दो। है? डाउट है? ये जो एरिया है ये एरिया बहुत डेंजरस एरिया। किसकी वजह से? भूगोल की वजह से।
जैसे यूपी बिहार का आदमी के पास दिमाग बहुत है और खुराफाती है, जमीन उपजाऊ है, गंगा का दुआब है, गंगा यमुना का दुआब है, इतनी उपजाऊ जमीन, उसमें तुम लोहा फेंक दो एके 47 निकल आती है, पानी वाटर टेबल बहुत कम है, 5 मीटर खुदाई कर दी पानी निकल आया, खाने की चिंता नहीं, गंगा में मछली है ही है। यहां का आदमी खाली बहुत बैठा हुआ है, गांव वाम बैठे अकेले ऐसे दिन दिन भर, सर्वाइवल की चिंता ही नहीं है भाई, बंबई में कमा ही रहा है, खाद वाद का पैसा भेज ही देता है वो, तो खाली है लोग, गुटखा खा लिए खड़े हैं 3 घंटे चौराहे है, सड़क पे खुदाई हो रही उसको देख रहे हैं। यहां अजीब अजीब लोग हैं यार, मतलब सड़क पे जैसे भी काम कर रहे उसको देख रहे। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, 3-3, 4-4 घंटे खड़े जेसीबी खुदाई देख रहे, कोई काम ही नहीं लोगों को, और उनसे कह दो कि यार ऐसा है कि पूजा होने वाली पंडाल अंडा, भैया बहुत बिजी है भैया, काम बहुत है भैया। यहां तुम गांव से निकलो फॉर्च्यूनर लेके और पूछो यार दिल्ली जा रहे हैं, कौन चलेगा, पूरा गांव तैयार है। और खर्चा कुछ है ही नहीं, 20-25 पैकेट राज दरबार या दिलबाग, उनसे कहना पड़ता है कि देखो गाड़ी में शीशे से मत थूकना खोल के, नहीं नहीं भैया हम तो पॉकेट में ही थूकेंगे अपने, हम काहे के शीशा खोलेंगे। वो सब व्यवस्था किए रहते हैं अपनी, पॉलिथिन दिन लेके बैठे रहते हैं कि भैया हम नहीं थूकेंगे बाहर, लेकिन खाएंगे जरूर। पूरे देश भर की कहानी सुनाएंगे, गांव भर की, हर घर की कहानी आपको बताएंगे, उसका बेटा उसकी बेटी बहू लड़का पत्नी सब, उनसे पूछ लो कि वो जो है अभी ये सेल क्या होता है बॉडी में, बॉडी में भी सेल होता है, सेल तो भैया टार्च में लगता है घड़ी में लगता है, बॉडी में कहां सेल होता है, एमएससी किए हैं फिजिक्स से, तो चपरासी का एग्जाम नहीं देंगे, क्या लोग छापते कि एमएससी किए हुए लड़के चपरासी के एग्जाम में बैठते हैं, पढ़े ही नहीं। जो लड़का केमिस्ट्री से फिजिक्स से मैथ से एमएससी करेगा वो चपरासी की परीक्षा देगा, कभी नहीं देगा, वो आंदोलन करेगा क्रांति, जिसके पास शिक्षा है वो चपरासी बनने जाएगा, लेकिन जिसको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस ही नहीं पता, जिसको भी बाहर जाना हुआ करे पूछने की जरूरत नहीं, उठ के चुपचाप धीरे से बिना शोर किए चले जाओ, चले आया करो। अब तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, शांति बना के गए और चले आए, आना है तो। भूगोल, यहां दो ही कलर मिलेगा, येलो और ब्राउन, येलो मतलब डेजर्ट, ब्राउन मतलब प्लेटो पठार, और यहां ग्रीन कलर मिलेगा। यहां का आदमी शांति चाहता है, यहां का अशांति, दोनों की चाहत अलग अलग है। यहां का नारा है जियो और जीने दो, यहां का है मारो या मार डालो, यहां दूसरे को खाना खिलाना पुण्य माना जाता है, भारत में दूसरे को पानी पिलाना पुण्य माना जाता है, यहां है ही नहीं, यहां का दूसरे का छीनना पुण्य माना जाता है। क्या होगा मरुस्थल में,
यहाँ लोग घर के बाहर पानी रखते हैं जानवरों के लिए, छतों पे पानी रखते हैं चिड़ियों के लिए। बहुत सारे घरों में आज भी आप देखेंगे, अगर आपके छत है तो परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दाना फेंक देते हैं छतों पे कि चिड़िया आके खाएगी। यहां कैसे फेंकेंगे? अपने लिए नहीं है, चिड़िया के लिए। और चिड़िया यहां कहां है? यहां बाज है, चिड़िया आई नहीं। मरुस्थल में कौन सी चिड़िया रहेगी? तो ये ज्योग्राफी, मुसलमान रहते हैं इसलिए नहीं। गोरखपुर में क्लास दे रहे थे, हमने कहा ये एरिया खतरनाक है। एक लड़का कहा हाँ यहां जहां मुसलमान रहेंगे खतरनाक तो होगा ही। मैंने कहा इतना मारेंगे तुमको। अब जिसे जो सोच दी गई है यहां, आज से लड़ाई नहीं चल रही है, आदिम काल से इस रास्ते पे कब्जा करने की कोशिश सभी करते हैं। पहली बार किसका कब्जा हुआ? रोमन एम्पायर का। इसी यहीं पे है रोमन एम्पायर। ये रोमन पूरे पश्चिम और पूरब के व्यापार पर संचालन था उसका। रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो बेजेंटाइन खत्म हुआ तो उस्मानिया, ऑटोमन टर्क्स। 1453 से 1920 तक उस्मानिया साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। एक एम्पायर यहां पे, एक एम्पायर यहां पे, एक एम्पायर यहां पे। यहां मौर्य साम्राज्य है, यहां सलजुक साम्राज्य है, यहां रोमन साम्राज्य है। ये फारस का इलाका है, ईरान। तो जब भी ये इलाका खतरे में होता था, आमतौर पर होता ही था, यहां जल्दी शांति नहीं होती थी क्योंकि सबको लड़ना है। तो जब भी यहां शांति होती थी तो ये पश्चिम और पूरब के व्यापार को प्रभावित करता था और पश्चिम पूरब के बिना जी नहीं सकता। तो जब भी यहां शांति होती थी सिल्क चाइना से यहां आता था। कहां? इंडो चाइना। और स्पाइसेस आता था इंडोनेशिया और मलेशिया से इंडो चाइना। जब भी सेंट्रल और वेस्ट एशिया में अशांति होती थी, लिख लो, व्हेनेवर देयर वाज अनरेस्ट, व्हेनेवर देयर वाज अनरेस्ट, अनरेस्ट इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, व्हेनेवर देयर वाज अनरेस्ट इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, सिल्क केम फ्रॉम चाइना टू इंडो चाइना, सिल्क केम फ्रॉम चाइना टू इंडो चाइना। And spices came from spices and spices came from Indonesia and Malaysia to Indochina. Indonesia and Malaysia to Indochina. From Indo China to Tamralipti, Bengal. लिख लो, इंडो चाइना से कहां आता था? बंगाल। इंडो चाइना टू बंगाल, बंगाल टू उज्जैन, इंडो चाइना से बंगाल, बंगाल से उज्जैन, उज्जैन से गुजरात,
इंडो चाइना से बंगाल, बंगाल से उज्जैन, उज्जैन से गुजरात। इसीलिए दिल्ली की गद्दी पे जो भी बैठता था वो इन दोनों इलाकों पे कब्जा रखना चाहता था, बंगाल पे और गुजरात पे। है ना? और बंगाल पे ना भी हो लेकिन गुजरात पे कब्जा जरूरी है। उज्जैन से गुजरात, गुजरात से पर्शियन गल्फ, ईरान, पारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से यूरोप। इसको बोलते थे रूट डी। चौथा रूट, रूट डी। मैरीटाइम सिल्क रूट, कौन सा सिल्क रूट? मैरीटाइम। चार समुद्रों से जुड़ा था ये, चार समुद्र। पहला समुद्र साउथ चाइना सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल, तीसरा अरेबियन और चौथा मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर। ये रूट डी चार समुद्रों से जुड़ा हुआ था, ये साउथ चाइना सी, यहां यहां बे ऑफ बंगाल, यहां अरेबियन सी, वहां मेडिटेरेनियन। इसको बोलते थे रूट डी। चारों रूट क्लियर? बता दो, चारों रास्ते क्लियर? मई जून में इस कमरे में कितनी गर्मी लगती थी। जून में कोई था इस क्लास में? हाँ, तो अच्छा हुआ इन्होंने इसको लगवा दिया। हाँ, एसी फेल हो गया? चारों रास्ते क्लियर? दिस रूट ए एंड डी। अब देखो, आज चाइना इस रूट ए पे कब्जा करना चाहता है, इसी को कहता है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। डी, बर्मा पे उसका कब्जा पहले से है, श्रीलंका के बंदरगाह पे कब्जा पहले से है, हम्बनदोता, ग्वादर वो कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान, कराची का जो बंदरगाह है, ये छाबार ईरान वाला, ये सारे बंदरगाह वो कब्जा करना चाहता है रूट ए एंड डी। क्योंकि अगर चीन रूट ए एंड डी को कब्जा कर ले तो इंडिया विल बी ऑन द मर्सी ऑफ चाइना फॉर एनर्जी। सारा तेल और जो नेचुरल गैस है उसके रास्ते पर किसका कब्जा हो जाएगा? चाइना का। तो रूट ए एंड डी, रूट ए एंड डी, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, दे सप्लाइड सिल्क एंड स्पाइसेस, टुडे दे आर सप्लाइंग मॉडर्न वर्ल्ड, दे आर सप्लाइंग ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो रूट ए एंड डी वेर इंपॉर्टेंट एंड रूट ए एंड डी आर इंपॉर्टेंट। बात क्लियर हो गई? चारों रास्ते क्लियर? चारों रास्ते क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। है मिडिल पाथ है वो,
ट्रेडिंग अड्डा है बनारस उज्जैन सिर्फ तुम देखो आदिकाल से इनका महत्व है। एक्चुअली जिस ये जो रास्ते होते थे जैसे जेरूसलम है मक्का है मदीना है ये सब बेसिकली ट्रेड के अड्डे थे, यहां व्यापारी रुकते थे आकर। तो जब व्यापारी रुकेगा आके तो उसको सुरक्षा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। तो जब तुम उसको रिलीजियस सेंटर बना दोगे तो मंदिर में कोई घुस के चोरी करेगा? नहीं समझे? ये सब बेसिकली पहले ट्रेडिंग अड्डे थे। हाँ वो तो खैर दूसरी चीज है, जनपद महाजनपद ये बेसिकली व्यापार के केंद्र थे। अब जो आदमी उत्तरापद पे चलता था तक्षशिला से, वो तक्षशिला से चलकर कहां रुकता था? हस्तिनापुर रुकता था। फिर हस्तिनापुर से चलता था फिर वो कहां रुकता था? बनारस रुकता था, मथुरा रुकता था। ये सब बीच में, इसीलिए यहीं यहीं जहां जहां ट्रेडिंग अड्डे थे वहीं वहीं पर धर्म के केंद्र भी पैदा हुए। यहीं पे तो है जेरूसलम, ये देखो ये यहां पे ही तो है जेरूसलम। और तीनों धर्म के धार्मिक स्थल है वहां पे, मस्जिद अक्सा है मुसलमानों की, चर्च ऑफ नेटिविटी है क्रिश्चियनों की, वेलिंग वॉल है यहूदियों की, तीनों की है यहां पे तीनों की। लेकिन है बेसिकली क्या? ट्रेडिंग ट्रेडिंग डिपो है वो। लेकिन जब तुमने उस ट्रेडिंग डिपो को धर्म से जोड़ दिया तो वो सुरक्षित हो गया। अब कोई ट्रेड का व्यापारी मुसलमान व्यापारी जेरूसलम में आया तो सबसे पहले क्या ढूंढेगा? मस्जिद। वहां पे उसका माल सुरक्षित है, वहां पे उसके जीवन सुरक्षित है। और जहां शहर है वहीं पे ज्यादा अशांति है। गांव में बाबा लोग जाते हैं? नहीं जाते। अब तो गांव में अशांति हो गई, अब वहां पे एक शैतान पहुंच गया, टेलीविजन, शैतान का दोस्त है ये, इसके घर में है उसको बर्बाद करके छोड़ेगा टेलीविजन। और टेलीविजन उस शैतान की खाला आ गई, मोबाइल। आज से 10 साल बाद की जनरेशन पागल हो जाएंगी अपने आप, दिन भर घुसी है मोबाइल। उससे क्या होगा? उनके सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आजकल माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे परेशान ना करें तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो वो बच्चे परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 10 साल के होके पागल हो जाएंगे। उनकी सोचने की क्षमता विकसित ही नहीं होगी। अब तुम सोचो, तुम टीवी देख रहे हो धारावाहिक, वो हंस रहा है तो तुम हंस रहे हो, वो रो रहा है तो तुम रो रहे हो, तुम पागल हो? और तुम जान रहे हो कि ये नाटक है, मतलब। और जो हकीकत में मर रहा है उसको देखकर तुम कर रहे हो बहुत सही हो रहा है इसके साथ, बहुत बदतमीज आदमी है ये। हमको तो पता नहीं टीवी चलाते कैसे हैं, टीवी का ऑपरेशन नहीं पता। हमारे बच्चे बताते हैं कि अबे यहां दबाना है, अच्छा। कभी न्यूज व्यूज अगर धमाका वमाका हो गया, मैंने कहा लगाओ जरा देखें क्या हो रहा है। मूवी देखने जाते नहीं क्योंकि मूवी बनानी है, जो चीज खुद ही बनानी है उसको देखने से क्या मतलब है? क्यों जाएंगे? सोचो कितना पागल आदमी है, समय दे रहा 3 घंटा, पैसा दे रहा है वहां बैठ के। कोई अपना समय देकर अपना पैसा भी देता है कि भैया ये 500 रुपया लेके मेरा 3 घंटा मार डालो?
अरे हद है यार, पागलपन की। हाँ तुम ट्रेवल रेवल कर रहे हो कहीं, 18 घंटा 20 घंटे की जर्नी हवाई जहाज में बैठे हो, धारावाहिक देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, वो एक अलग बात है। तुम पैसा देके जाओगे देखने नाटक? फिर मोटिवेशन क्लास अटेंड करते हैं ये लोग, पिक्चर देखने मोटिवेशन, बोले बना हुआ है मोटिवेशन। क्योंकि मूवी देखने में सोचना नहीं पड़ता, वहां कहानियां जुड़ी हुई हैं तो दिखाई पड़ता रहता, अब क्या होगा अब क्या होगा, वहां दिमाग नहीं लगाना है। तो मूवी मोबाइल ये सब आपके दिमाग को हरामखोर बनाता है, और किताब पढ़ने में मेहनत लगती है, हर लाइन पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है। एक आदमी एक मूवी 4 बार देख लेगा 12 घंटा बैठ के, उसको एनसीईआरटी पकड़ा दो, कह दो पढ़ो, एक पेज के बाद झपकी मार देगा धीरे से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर लगाओगे तब तो समझ में आएगा, लगाना तुम चाहते ही नहीं हो। फिर वो आदमी कोचिंग आता है, कोचिंग आ गया, आईएएस बनाते हो? हाँ। ये कितना पैसा लोगे? 1 लाख। 1 लाख तो नहीं है, 60,000 देंगे। लाओ 60,000, जाओ बैठो। और क्लास में पहले दिन बहुत ताम बैठा ऐसे अकड़े अकड़ के कि वो बता दो जो आएगा पेपर में। ये परीक्षा कंपटीशन मतलब जिंदा दिमाग, लड़ने वाले दिमाग, उनको पता है लड़ाई चल रही है। उनसे क्या मतलब है, लड़ाई चल रही है वहीं बैटल फील्ड में प्यार कर लोगे? तलवारबाजी हो रही है, जान खतरे में है, उसी में प्रेम कर लिए। अब जैसे साइड में देखोगे कोनो डाल के हिला देगा तुरंत। अब ये बात कहे तो बुरा मान जाते हैं, कहते अपना तो किए नहीं, दूसरे को रोकते हैं। लिखो अगली लाइन, दीज फोर रूट्स, दीज फोर रूट्स सॉ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड आइडियाज। These four routes saw the movement of goods, people and ideas from one place to another. Goods, people and ideas from one place to another. And in this background, in 7th century AD, West Asia saw birth of Islam. West Asia saw birth of Islam. अब आजकल टीवी पे कुछ लोग डिबेट करने आते हैं, उनकी डिबेट से कुछ सीखने उगने को भले ना मिले, मजा बहुत आता है। उसमें से एक है शोएब जमई। देखिए ऐसा है,
संबित पात्रा तो बहुत फेमस है, उनके बारे में बात करना ही बेकार, उनके बारे में बात करना ही बेकार। चार पांच हैं, उन लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है। एक वो भाटिया जी हैं, ये लोग किसी चीज पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, धर्म, सिर्फ धर्म। कोई कह रहा इस्लाम नूर है, इस्लाम नूर है अल्लाह, कोई कह रहा हट नूर है अल्लाह, शंकर जी नूर है ब्रह्मा, फर्जी की लड़ाई, उससे इस देश को, इस देश की जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। और कर क्यों रहे हैं भाई, टीआरपी मिल रही तभी तो कर रहे हैं। अगर भारत के सारे, देश के सारे लोग अपना अपना टीवी बंद कर दें कि भी देखना ही नहीं, सो ही नहीं देखना, कल बंद हो जाए, जो बिकेगा वही तो दिखाया जाएगा। अर्थव्यवस्था पे बहस कर लो, एजुकेशन पे कर लो, पर सनसनी फैलाएंगे, पुतिन ने किया परमाणु हमला, आपने खोल लिया कहा। आजकल YouTube पे लड़के चैनल बनाते हैं ऐसे ही, अभी अभी आई देश की बहुत बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन नहीं रहे, अब आदमी ने खोल के देखा कि नीचे कमेंट में गाली लिख रहा कि बदतमीज कहीं को उल्टी सीधी बात। और जब तक लोग समझ पाएगी चैनल और खबर गलत है, तब तक उसका पहुंच गया 6 लाख व्यूज YouTube ने उसको ऐड दे दिया, वो पैसा कमा रहा है और वीडियो बना रहा बैठ के, कहां नाइजीरिया में, कहां आईटी सेल ढूंढे जाके उसको, नाइजीरिया किसी खदान में बैठा हुआ वहां बना रहा। अब आईटी सेल के पास यही काम है कि सबको जाकर ढूंढे कौन कहां बैठा हुआ है। दुनिया के सारे धर्म समान है, और जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा, लाइव है ना YouTube पे, हाँ, जिस दिन मुझसे कोई ये बात साबित कर देगा कि नहीं है, बस उसी दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इस दुनिया के सारे धर्म समान है, धर्म मानने वाले नहीं, एक से एक बेवकूफ मानने वाले। मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब धर्म समान, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं है, मतभेद सिर्फ मानने वालों में है। एग्जाम्पल, मतभेद क्यों है, चंदन क्यों लगाए हो, किसको, सुषुम्ना को, नाड़ी यहां कहां है, नाड़ी तो यहां है, यहां कहां नाड़ी ले आए, और मतलब हमें बता रहा हो कि नाड़ी यहां, नाड़ी यहां, नाड़ी ठंडा कर रहे हो, बोले तो इतने ताव में जैसे लग रहा है कि सातों चक्र को शोधन करके बैठे हो। अब इनकी गलती नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा किया चंदन लगाया, ये चंदन इसीलिए लगाया जाता है, इसका बड़ा महत्व है। हिंदुओं ने भगवान शिव की एक फोटो बनाई, उस फोटो में एक तीसरी आंख बनाई, उसका संदेश यह है कि जिसकी ये आंख खुल जाएगी वो भगवान हो जाएगा, क्योंकि इस आंख से सब कुछ नहीं दिखाई पड़ता। सिगरेट पे फोटो बनाई गई है कटे हुए चेहरों की, तब भी लोग पीते हैं, किसी गुटखे के पैकेट को खरीद के देखो तो फोटो बनी हुई है, लेकिन ये दोनों आंख देख रही है, कह रही कोई बात नहीं, इनका कटा तेरा थोड़ी कटेगा, और तेरा तो बुढ़ापे में कटेगा। ये आंख, ये जिसकी ये आंख खुल गई, उसकी सोचने की क्षमता का इतना विकास होता है। तो ये चंदन जो है, टीका जो है, ये इसका रिमाइंडर है कि इस आंख को खोलना है। और चंदन इसलिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही चंदन क्यों लगाया, क्योंकि वो चंदन ठंडा रखता है, वो रिमेम्बरेंस को बनाए रखता है। जब तुमने कोई जेल लगाया तो जब तक वो ठंडा है तब तक उस जगह की सेंसिटिविटी याद आती रहेगी,
नहीं, तो अब इन्होंने चंदन लगा के गलत नहीं किया, इसको पता नहीं किया कि लगाते क्यों है। इसीलिए धर्म के मानने वालों में मतभेद है, जानते ही नहीं अपने धर्म के बारे में, है बहुत धार्मिक, दाढ़ी रखा है यार, वो कहे दो तो बुरा मान जाए, ऐसे जो बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, धर्म में कोई मतभेद नहीं, किसी धर्म, धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म को, इंसान को भगवान बनाने की कला पता है, जिसको धर्म समझ में आ गया उसको समझ लो पूरी दुनिया समझ में आ गई, कितनी बड़ी चीज है धर्म। तो सारे धर्म समान, धर्मों में जो अंतर है वो कल्चर का है, उसकी वजह है ज्योग्राफी, कपड़ा और खाना ज्योग्राफी पे निर्भर करता है। सारा डेजर्ट में टाई लगाओगे, इस साइबेरिया के डेजर्ट में लुंगी पहन के घूमोगे, और लुंगी पहन के घूमोगे तो ऐसे खड़े रहोगे, -40 टेम्परेचर है, नहीं ना तुम साइबेरिया में टाई लगा सकते हो सहारा में, और ना तुम साइबेरिया में लुंगी पहन सकते हो, चाहे जितना बड़ा मुसलमान होगा उसको साइबेरिया में ओवरकोट पहनना ही पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, और मौका मिले तो 40 ml लेना भी पड़ेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। अरे झूठ कह रहे, बड़ी सारी दवाइयां हैं, फेंसिडिल वगैरह जो खांसी वगैरह की दवाइयां हैं उसमें नशे के पदार्थ नहीं है। जितने लोग कफ सिरप पीते हैं सब अफीम पीते हैं, एक आध आउंस अफीम तो मिली होती है ना, तभी तो बहुत सारे नशेड़ी जिनको अफीम नहीं मिलती वो कफ सिरप ही पी जाते हैं। इस्लाम किस सेंचुरी में पैदा हुआ? 7। किसी भी धर्म, इसलिए इतनी बात बोली मैंने कि यार देखो तुम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी जो जानकारी होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। तुम चुनाव लड़ रहे हो बाहर तब किसी धर्म के विरोध में बोल रहे हो वो अलग बात है, लेकिन यहां तुम्हारी स्पष्टता एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्लियर मतलब हाँ ये है तो है, ना कोई धर्म बड़ा है ना कोई धर्म छोटा है, सबका एक समान मेटाफिजिक्स है। इस्लाम पैदा हुआ 7th century AD में सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया में। अब ये टाइमलाइन देखो, 7th century AD, इस समय यूरोप, एशिया, स्पेशली इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, इन सारी जगहों पे अंधेरा, डार्कनेस। सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया में इस समय को क्या कहते हैं? जमाने जाहिलियत, जाहिलियत का जमाना। इस सारे इलाके में इस समय अंधेरा, डार्कनेस, किसकी वजह से? फ्यूडलिज्म की वजह से, सामंतवाद की वजह से, किसी धर्म की वजह से नहीं, सामंतवाद की वजह से। अफगानिस्तान देख रहे हो, जो स्थिति आज अफगानिस्तान की है वही इन सारे जगहों पे थी, किसकी वजह से? सामंतवाद।
फ्यूडलिज्म। और इस अंधेरे में हजरत मोहम्मद का आगमन इस्लाम के लैंप को लेकर, इसी पे हमको ट्रॉल किए थे सब, है ये ओझा बोलता है कि मोहम्मद साहब ने बल्ब का आविष्कार किया। कोई बात नहीं, आजकल एक नई कॉम आई है पैरासाइट फेम, एक नया टाइप का पैरासाइट आया, उसको पैरासाइट फेम बोलते हैं। तो तुम्हारा अगर यूट्यूब पे बहुत नाम है ना, तो तुम्हारी कोई लाइन निकाल के तुम्हारी बेइज्जती करवाएगा, उससे उसके यूट्यूबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसको बोलते हैं पैरासाइट फेम। उसका एक ही काम है कि जितने लोग यूट्यूब पे ज्यादा फेमस है उनका निकालो और उनको कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करवाओ। तो तुमने 10 लाइन बोली, एक लाइन उसमें से निकाल लेगा कोई। अब तुमने कहा औरतों को मारा ही जाना चाहिए, उससे पहले तुम कह चुके हो ऐसा सामंतवादी कहते थे, उसको काट दिया और वो लाइन निकाल ली कि ये देखो औरतों के प्रति इनके विचार। अब जिसने पूरा नहीं पढ़ा है वो तो गुस्सा करेगा ही कि बुला के लाओ इसको, कहां रहता है। ऐसे लोगों को कहते हैं पैरासाइट फेम। सबके बारे में वो बेचारे एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा, सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए, कोई तुमसे आके कहा हा? पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली, लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया तो क्या प्रभावित। तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन ठीक है सिद्धियां हैं। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। अब उनकी मर्जी है वो कर रहे हैं, बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया, तुलसीदास ने नहीं किया, कबीर ने, इनके पास भी थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ, कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ, अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है तो मैं क्यों कूदूं। अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ, काहे दिखाए, नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते, कुछ लोग कर देते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहां बैठो ही ना आगे, कोई बात नहीं बैठा करो। एक बार बीरबल जो है जब अकबर की दरबार में गए पहली बार, तो ये आम आदमी थे बीरबल। अकबर ने कहा इनको दरबारी बनाना है, तो जो दरबार के सामान थे उन्होंने कहा नहीं आम आदमी को यहां क्यों बिठाओगे। पर अकबर को पता था कि आदमी बहुत तेज है, होशियार है। अकबर ने कहा मुल्ला से कोई रास्ता निकालो यार, इसको बुलाओ यहां। तो मुल्ला ने कहा हम सवाल पूछेंगे इनसे, अगर जवाब दे देंगे तो बैठा लेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा कि तैयार हो, उसने कहा मालिक तैयार है। तो मुल्ला दो प्याजे ने पूछा कि बीरबल ये बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा सरकार हमको मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है,
आपके मन में चल रहा है कि अकबर अमर हो जाएं, अकबर का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, दुनिया की सारी खूबसूरत औरतों से अकबर का विवाह हो जाए। अकबर ने पलट कर देखा मुल्ला की तरफ, हाँ क्या बोले, हुजूर यही सोच रहा था। यही तो खेल है। दुनिया में दो ही गिफ्ट भगवान ने तुमको दिए, एक जवानी एक दिमाग। जवानी क्रांति करने के लिए, अब तुम पार्क में बैठ के बिता दो तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्क में बैठना बुरा है, वहां भी आप बैठिए, घंटे भर बैठ जाइए। अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक बैठे हो, गलत है। और दूसरा दिमाग तो सही जगह लगा दो बस, तुम्हारा तुमको इससे अच्छा गुलाम कहीं नहीं मिलेगा, बड़ा प्यारा गुलाम है, बस ये तुम्हारे हाथ में आ जाए, जल्दी आता नहीं है। पंचानवे प्रतिशत लोग जीवन भर सिर्फ अपने दिमाग से लड़ते हैं, कहते हैं यार कल 4 बजे उठ रहा है, कहता हां कल उठाएंगे तुमको, 4 बजे 3 बजे उठा देंगे। अब तुम रात में सोए कि यह तो कहा है 3 बजे उठाएंगे, और जब 4 बजे घंटी बजी घड़ी की, तब ये कहता है कि 4 बजे क्या करोगे उठ के, तुमने कहा नहीं उठना है। अरे इसने कहा चर्चिल 10 बजे सुबह तक सोता था, प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, तुमने कहा नहीं नहीं उठना है, कहता आज सो लो बस, तुमने कहा नहीं आज ही उठना है, कहता नहीं आज ठंडक ज्यादा है, तुम ना कुछ भी हो मुझे उठना है, तो कहता अच्छे काम करो 5 मिनट और सो लो बस, तुम उसको मान लेते हो, 5 ही मिनट कहता है ये, और तुम जैसे 5 मिनट के लिए आंख बंद किया, आंख खुली तुम्हारी 9 बजे, तब सबसे ज्यादा मजा होता है, तब तुमको जलील करता है कि तुम 4 बजे उठ ही नहीं पाए, क्या करोगे जिंदगी में। और उसी फ्रेम ऑफ माइंड को लेके तुम क्लास में आ गए बैठे हो, और दिमाग तुम्हारा किसी और बात पे खराब है, और किसी ने तुम्हारी नोटबुक उठा के बगल में रख दी, तुमने एक चांटा मारा उसको खींच, क्योंकि तुम दूसरे परेशान नहीं हो, तुम परेशान खुद से हो। यही सब तो हो रहा है। किसी धर्म के विपक्ष में मत बोलो, नहीं है पता है बोलो ही मत। इस अंधेरे में ये रोशनी लेकर आए, कौन सी रोशनी, लिबर्टी की, फेटर्निटी की, इक्वालिटी की। इनसे पहले बहुत लोग लेके आ चुके थे, प्रभु राम वो भी यही रोशनी लेकर आए, केवट राज को गले लगाया, शबरी के जूठे बेर खाए, खाए ना। तो ये रोशनी ऐसा नहीं कि पहली बार, इससे पहले बहुत लोग ये रोशनियां उतर चुकी हैं। रोशनी उतरती ही है अंधेरों को दूर करने के लिए, और रोशनी का नियम है एक रोशनी से दूसरी रोशनी को जलाया जा सकता है। यही तो है दिवाली का त्योहार, अंधेरे में रोशनी को जलाना, और एक कैंडल से तुम दूसरी कैंडल जला सकते हो। ये सब कैंडलें हैं, प्रभु राम श्री कृष्ण हजरत बहुत, ये सब कैंडल है लाइट, इनके संपर्क में जो आता है वो जलने लगता है, और फिर उससे लोग जलने लगते हैं। सेवेंथ सेंचुरी एडी से 10th सेंचुरी एडी तक, नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी एडी, फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी एडी इस्लाम कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। इस्लाम कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया।
फ्रॉम 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. फ्रॉम 11th सेंचुरी इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. Its expansion towards west matlab Europe. Its expansion towards west led to a new development. Led to a new development called Crusade. Led to a new development called Crusade. Inbox करो इसको Crusade. मतलब धर्म युद्ध, Holy War. किसके किसके बीच में? क्रॉस एंड क्रीसेंट. क्रॉस मतलब क्रिश्चियन, क्रीसेंट मतलब मुस्लिम. लड़ाई शुरू हुई ईसाई और मुसलमानों के बीच. अब दो तरह की लड़ाइयां होती हैं, एक राजा वर्ग की लड़ाई, एक सैनिक वर्ग की लड़ाई. इसी को मैं कहता हूं कि दुनिया में दो तरह के लोग हमेशा रहेंगे, एक शाही वर्ग एरिस्टोक्रेसी, एक आम आदमी. लड़ेगा दोनों, लेकिन दोनों के लड़ने का अप्रोच अलग है. अब ये ईसाई और मुसलमान राजा किस लिए लड़ रहे थे? सिल्क रूट के लिए, क्योंकि जिसका सिल्क रूट पर कब्जा उसका पश्चिम और पूरब के व्यापार पर कब्जा. यस और नो? और जिसका पश्चिम और पूरब के व्यापार पर कब्जा वो आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर, और जो आर्थिक शक्ति वो पॉलिटिकल शक्ति. चाइना आज आर्थिक शक्ति है ना, तो राजनीतिक शक्ति भी है. लेकिन ये सैनिक, अब इनसे अगर तुम कहते कि सड़क के लिए लड़ रहे हैं, ये दुखी हो जाते कि सड़क के लिए मर जाएं. तो जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी होती है तो उसको कोई बड़ी वजह देनी पड़ती है कि तुम छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे. बोले फिर? बोले धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, भगवान के लिए, गॉड के लिए. बोला अच्छा, इनके लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा? बोले जन्नत मिलेगी. तो मुसलमान सैनिकों को जन्नत और ईसाई सैनिकों को हेवन. और गलती से अगर हिंदू सैनिक पहुंच गए तो स्वर्ग. बोले यहां क्या है? बोले स्त्रियां हैं, ले आओ. बोले और शराब, दरिया बहते हैं शराब, बाल्टी में भर के निकाल. अरे बोले सरकार मार डालो सरकार, अगर यही बात है, अगर ये बात है तो मार डालो फिर. आम आदमी का जीवन देखो, एक बीवी है वो भी टॉर्चर करती रहती है, वो भी उसी की वजह से करती है, उसकी गलती की वजह से, वरना स्त्रियां किसी को टॉर्चर नहीं करती.
करते ही नहीं, हमारी भी है। करती नहीं, कहती नहीं कुछ, कभी कभार कह देती है, ऐसा भी नहीं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आज तक किसी ने कहते हुए देखा नहीं, यही उपलब्धि है। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब भी तुम गुस्सा हो ना, दरवाजा बंद कर लेना, पब्लिकली कुछ मत कहना। क्योंकि स्त्री के मन में एक बात होती है कि घर को बनाना है। कोरोना में भाई साहब पैसा था ही नहीं मेरे पास, 1.5 करोड़ की EMI दे दी थी, वो तो बचा के रखी थी। ये कितना चाहिए? अरे बहना का तुमसे ना हो, बोली बताओ। और सोचो एक साल पूरा कोरोना पूरा बंद था सब कुछ, औरतें पैसा मार लेती हैं, ठीक है तुम्हारी जेब से निकाल लेंगी और ले लेंगी, 700 रुपया कर्जा लेंगी, देंगी, वो 700 साल तक चलता रहेगा, ये सब उनके फीचर हैं। तुम कहोगे वो 2000 रुपया वहां तुम्हारा बच गया था, हाँ तो वो बच गया था ना, उधार थोड़ी वापस किए थे तुम। महाजन के ब्याज से ज्यादा खतरनाक है औरतों का ब्याज, लेकिन वो बचा के रखती है, सेव करती है, नहीं परेशान करती, औरतें करती ही नहीं। अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं उस आदमी की भी गलती होगी, और अपवाद सभी जगह। तो आम आदमी वैसे ही नीचे परेशान रहता है और ऊपर से औरत पीने नहीं देती, तो ये तो ताव में लड़ रहे थे एकदम आगे चल के, ताव था इनके पास। अभी तुम कहते हो भारत खतरे में, कोई नहीं खड़ा होगा, अभी किसी जात को गाली दे तो 4 लोग सड़क पे आ जाएं लड़ने के लिए। जाति पर लड़ाना आसान है, धर्म पे लड़ाना आसान है। लेकिन देश पे लड़ाना मुश्किल है, क्षेत्र पर लड़ाना आसान है। अभी कानपुर के लोगों कुछ बोल दो, बाहर निकलना मुश्किल, कि निकलो बाहर, पहले तो अन्नू अवस्थी ही आ जाएंगे। लड़ाई शुरू हुई किस सेंचुरी से? 11th। किसके लिए हो रही थी? किस सेंचुरी में शुरू हुई? 11th, 12th, 13, 14, 15, 15 सेंचुरी में एक बड़ी घटना घटी, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, जिसको तुम हिंदी में कंस्टेंटिनिया कहते हो। 1453 लिखो, द क्रूसेड इन 15th सेंचुरी, क्रूसेड इन 15th सेंचुरी सॉ अ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आज इसका क्या नाम है? इस्तांबुल। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनिया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। Conquest of Constantinople in 1453 by Turks। लिख लो Turks के बगल में, Muslims, Muslims। तो 1453 पे Silk Route पे किसका कब्जा हो गया? मुसलमानों का। This was the beginning of, next line, this was the beginning of trouble for Europeans। This was the beginning of trouble for Europeans। अब पूरब के लोग पश्चिम के बिना जी सकते थे,
लेकिन पश्चिम के लोग पूरब के बिना नहीं जी सकते। मुसलमानों ने कब्जा कर लिया रेशम मार्ग पर, अभी नहीं ये पता था कि बेटा तुम पूरब के बिना जी नहीं सकते, और पूरब जाने का रास्ता हमारे घर से ही जाता है, तो अब जीना है तो मेरी बात मानो। बोले कौन सी बात? बोले इस्लाम कबूल कर लो। तो तुम अगर इस्लामिक कंट्रीज को देखो तो इस्लाम का फैलाव सबसे ज्यादा अरब वर्ल्ड में है, पूरा अरब वर्ल्ड। अब इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जब सबका उद्देश्य एक है तो तुम्हारा नाम चाहे श्यामलाल हो, चाहे शमसुद्दीन हो, चाहे सैमुअल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब धर्म तुम्हारे विकास के बजाय बाधक बन जाए। कोई चीज तुम अडॉप्ट करते हो विकास के लिए ही तो करते हो। सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट पूरी दुनिया में किसका है? ईसाइयों का। वो बड़े सफल होते हैं कन्वर्ट करने में, क्योंकि वो दो काम बड़ा अच्छा करते हैं। एक, स्कूल चलाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। तुम मिशनरी स्कूल में जाओ, तुम्हें सबसे ज्यादा हिंदू मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे। भारत में ईसाइयों को तो भारत में स्कूल खोलना ही नहीं चाहिए था, क्यों पढ़ाना हिंदुओं को? आज मैं यहां खड़ा हूं, सिर्फ ईसाई मिशनरी स्कूल की देन है, फातिमा इंटर कॉलेज। उद्देश्य उनका कुछ भी रहा हो लेकिन फायदा करके गए। चौदह साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, और 25 दिसंबर का वेट करते थे, क्रिसमस मनाते थे, कैरोल रोल गाते थे, केक लेते थे, चॉकलेट लेते थे, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। 14 साल रहे उनके साथ, लेकिन वो हनुमान जी को ना निकाल पाए। जब गांव जाते थे रात में तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धीरे धीरे जाते थे, वहां कभी नहीं गया जीसस मेला, हां ना से रोग हरे सब पीरा जब निरंतर आनंद पीरा। संकट ते हनुमान जुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जुड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा। देखो ईसाइयत ये दो काम बहुत अच्छा करती, एक तो किसी का धर्म और जाति नहीं देखती, पढ़ाने में और सेवा करने में। इलाहाबाद है वहां पे हॉस्पिटल है नाजरत, सब ईसाई चलाते हैं। कंपनी गार्डन के सामने, वहां बीमार आदमी चला जाए ठीक हो जाए, तो सरकारी अस्पताल जो है स्वरूप रानी, वहां ठीक ठाक आदमी गया तो बगल में लेट गया कि भैया हमको भी लेटा लो। अब रेशम मार्ग पर मुसलमानों का कब्जा, इनको पता था कि बेटा यूरोपियंस तुमको पूरब से सामान लेना है और हमारे रास्ते ही होके जाओगे, चाहे रूट ए से जाओ चाहे रूट डी से जाओ, दोनों रास्ता हमारा ही घर से निकलता है। यूरोप वालों ने कहा हम नहीं कबूल करेंगे, बोले न मत करो। मसालों का दाम बढ़ा दिया 50%, प्राइस मैकेनिज्म होता है, ए के बढ़ने से बी बढ़ेगा, वॉलेंट्री 50%, 60%, 100%। यूरोपियन ने कहा भैया मर जाएंगे भैया, हाँ बोले मर जाओ। इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं थी यूरोपियन को, यूरोपियंस को प्रॉब्लम थी सऊदी कल्चर से। 15th सेंचुरी, अब कश्मीर का आदमी तमिलनाडु का कल्चर अडॉप्ट कर सकता है?
गुजरात का आदमी यूपी का कल्चर अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि कल्चर किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। अब बनारस के पंडित जी अगर मॉस्को पहुंच जाए दिसंबर में -40, वो कहें हम तो 3 टाइम नहाएंगे, वो ले आके बर्फ के स्विमिंग पूल में डाल दे सब कि नहा, और निकल जाएगी तुरंत अंदर से, -40 टेम्परेचर बाहर, 25 अंदर, धीरे से खींच लेगा, पता लगा परमानेंटली पूल में लेटे हैं। तभी तो कहा गया कि जैसा देश वैसा भेष। इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं, कल्चर से। अब यूरोपियों के सामने चुनौती आ गई कि अब क्या करें। तो जब भी तुम्हारे जीवन को खतरा पैदा होगा, दो चीजें होंगी। एक, पहली चीज तुम क्या करोगे, सुसाइड कर लोगे, और दूसरा उस चुनौती का समाधान निकालोगे। तो इसी से, इस परिस्थिति ने एक दूसरी परिस्थिति को प्रमोट किया यूरोप में। दिस सिचुएशन गेव प्रमोशन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट, दैट इज रेनेसांस। लिख लो, दिस सिचुएशन गेव प्रमोशन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट, दैट इज रेनेसांस। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, रेनेसांस। ये मत चिंता करना कि ये कहां पढ़ा रहे हो यार, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सिलेबस है। जाएगा तो उधर से ही। अरे तुम जिस रास्ते से जाएगा सामान, कस्टम ड्यूटी नहीं लेगा? सिल्क रूट होते हुए जाएगा ना। इसीलिए अरब के लोग बड़े व्यापारी हुआ करते थे, वो भी उधर ही से जाएगा, बंदरगाह। अरब के व्यापारी भारत आएंगे, मध्य ये साउथ ईस्ट एशिया के व्यापारी भारत आएंगे, जहां से माल का एक्सचेंज होगा, फिर वो अरब चले जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे। व्यापारी तो आते जाते रहते हैं ना, या भारत का व्यापारी जाएगा बेचने के लिए, वो उधर से माल खरीद लेगा, वो पहुंचाएगा। ठीक। दिस सिचुएशन गेव प्रमोशन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट, रेनेसांस, पुनर्जागरण। रेनेसांस यानी रीबर्थ। किसका? रैशनलिज्म का। रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। ये वर्ड बड़ा प्यारा है, रैशनलिज्म। आज हमारे बड़े भाई बहन कह रहे हैं हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, हम बुद्धिस्ट होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी हो जाएं। लेकिन श्रीलंका भी तो बुद्धिस्ट देश है, वहां कौन सब बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से चलते हैं? नहीं है। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलने से। दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। धर्म, मैंने कहा ना, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अब आप कानपुर का सांसद, आपका दोस्त है और खास, आप सुबह शाम उसके यहां चाय पीते हैं और आप भीख मांगते हैं, संभव है? हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रहकर भीख मांगे, इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी किसके सूचक हैं? ध्यान के। उनका हमेशा चित कहां लगा हुआ है? चेतना पे।
सीता जी ने मोती की माला निकाल के दी, मोती कूच के देखने लगे। सीता जी ने पूछा ये क्या कर रहा है, बोला राम को ढूंढ रहा हूं, चेतना को। और जिसमें चेतना नहीं है उसको पास में रखने की क्या जरूरत है, फेंक दो, तब वो भगवान है। तो हनुमान जी की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप उस विधा को समझ ही नहीं पाए। बुद्ध को अपनाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान अपनाने से। सिद्धार्थ ने ध्यान किया, तपस्या की, ज्ञान दी, तब बुद्ध बने। और तुम सिर्फ नाम लिख लोगे अनूप बौद्ध और तुम बुद्ध हो जाओगे। तो चाहे हनुमान जी के साथ रहो और चाहे बुद्ध के साथ, दोनों को समझना पड़ेगा, तब तुम्हारा उत्थान होगा। नहीं, नेशनलिज्म, जिस चीज को तुम करो उसका जो वैज्ञानिक आधार है उसको समझो, वैज्ञानिक, ऐसे मत करो। हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में जितनी चीजें धर्म से जुड़ी हैं उसका कोई ना कोई बहुत साइंटिफिक मतलब है। तुम कोई एक चीज उठा लो, कोई भी चीज, आज सबसे ज्यादा बीमारी मुसलमानों में है, जबकि उनको उनके धर्म ने एक बड़ी अच्छी दवा दी है, उसको कायदे से फॉलो कर ले तो बीमारी ना हो। रमजान दवा है वो, पूरे साल में जो जितना मल अंदर इकट्ठा होता है डिटॉक्सिफाई कर देगा बॉडी को, अगर उसे कायदे से किया जाए तो। अब रात भर कबाब खाओगे रमजान में घूम घूम के, फिर सुबह 4 बजे सहरी भी करोगे, फिर 8 घंटा सोओगे, फिर 6 बजे इतना खा लोगे, 12 घंटे की भूख, 12 घंटे की, न खाना न पानी न थूक, कुछ भी अंदर नहीं। जब 12 घंटे तुम भूखे रहते हो और शरीर एकदम जबरदस्त भूख की स्थिति में आती है तो सबसे पहले तुम्हारे कमजोर सेलों को खाना शुरू करती है। इसीलिए सारे धर्मों में उपवास का सिद्धांत है, हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, सिखों में, सब में। हिंदुओं में है नहीं नवरात्र, एकादशी, महीने में 2 तो आती ही है। ये सब साइंटिफिक सिद्धांत है। नवरात्र में सुबह उठे 4 किलो आलू भूज लिए देसी घी में, कह रहे व्रत है भैया, अरे तो क्यों व्रत हो। हम अब की बार नवरात्र में, हम रहते हैं नवरात्र बस्ती में, एक साहब के यहां थे नवरात्र जिस दिन शुरू हुआ उन्हीं के घर पे था मैं, कितना आलू, बोले देसी घी में है, और वो घिया देसी घी में, फिर साबूदाना की खिचड़ी। हमने कहा तब यार ऐसा करो पार्टी कर लो बैठ के, जब इतना खाना ही है। धर्म, रैशनलिज्म, किसी चीज को साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार जानना, एविडेंस, लॉजिक नहीं। कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस ने कहा हेवनली बॉडीज हैव मोशन, केपलर ने उसको दोहराया, सिद्ध किसने किया, गैलीलियो ने, टेलीस्कोप से दिखाया 7 PM पे सप्तऋषि मंडल पूरब में और 2 AM पे सप्तऋषि मंडल पश्चिम में। लोगों ने कहा इसकी वजह क्या है, न्यूटन ने जवाब दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। When you know the things on the basis of scientific evidence, उसको बोलते हैं rationalism।
When you know the things on the basis of scientific evidence, logic nahi, that is called as rationalism. जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, सब में दो चार सीट बुक होती है महिलाओं के लिए, उसमें लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए. मेट्रो में चलोगे उसमें सीट बुक है महिलाओं के लिए. कई लोग तो दिल्ली में झगड़ा कर लेते हैं, क्यों महिला को क्यों बैठने दें, तो तुम भी जेंडर चेंज करा लो. जापान में महिलाएं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको खड़ी नहीं मिलेंगी. शिक्षा का कमाल है, शिक्षा समझदारी पैदा करेगी, समझदारी नैतिकता पैदा करेगी. नैतिकता बाहर से थोपी नहीं जा सकती. ऐसा क्यों है, क्यों उनके लिए सीट बुक है? क्योंकि महीना मेंसुरेशन होता है, हर महीने दर्द होता है शरीर में. खासकर वो महिलाएं जो सर्विस करने जा रही, नौकरी करने जा रही हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे का ट्रेवल है, किससे कहेंगी? किसी से कह सकती हैं? नहीं. तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई महिला आपके बगल खड़ी है तो आप उसको सीट दे बैठने के लिए. ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी को कहते हैं रैशनलिज्म. क्लियर? तो रैशनलिज्म ने क्या किया, सेंस ऑफ इंक्वायरी को बढ़ा दिया. इसको बढ़ा दिया, सेंस ऑफ इंक्वायरी को, अन्वेषण, अन्वेषण को प्रमोट कर दिया कि अब हम सब पता करेंगे कि ये कलावा क्यों बांधते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं. अब तुमने सोचा अब हम सब पता करेंगे. यूरोपियों ने कहा अब हम सब पता करेंगे. बाइबल में लिखा है द अर्थ इज फ्लैट, इफ यू एंटर इनटू द सी यू विल फॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द सी. यूरोपियन ने कहा हम एंटर करेंगे, हम जाएंगे. एंड दिस सेंस ऑफ इंक्वायरी गेव प्रमोशन टू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज. लिख लो, दिस गेव प्रमोशन टू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज. ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, दो सबसे बड़ी डिस्कवरी 1492 1498 1492, कोलंबस डिस्कवर्स न्यू वर्ल्ड, जिसको तुम आज अमेरिका कहते हो, और 1498 वास्को डी गामा गॉट द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप. अब एक रास्ता और निकल आया. अब तुमसे इंटरव्यू, आईएएस का इंटरव्यू में पूछ लिया कि यार 15वीं शताब्दी में ही क्यों, ये भौगोलिक खोजें इतनी प्रमोट हुई 15वीं शताब्दी में, क्यों, क्या वजह थी? तो आंसर क्या होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. किसी चीज की जब खोज होती है तो उसकी जरूरत क्या, उसके पीछे एक जरूरत होती है. तो तुम ये डायग्राम बना देना कि सर ये 1453 इसने नेसेसिटी पैदा कर दी, इसकी वजह से 1492 और 1498. नहीं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. किसने नेसेसिटी पैदा की? 1453 ने. इससे पहले यूरोपियंस का जीवन कभी खतरे में नहीं पड़ा, तो जरूरत ही नहीं पड़ी. नहीं, क्लियर? This geographical discovery, next line. This geographical discoveries gave promotion to world trade. Geographical discoveries gave promotion to world trade. ये बना लो, बहुत important है.
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। यूरोपियन मर्चेंट्स केम हियर एंड दे टुक स्लेव्स फ्रॉम हियर। स्लेव्स कहां से लिया? अफ्रीका से। इन स्लेव्स को डिप्लॉय किया यहां। माइंस एंड प्लांटेशंस, यहां की खदानों में इन स्लेवों को यहां डिप्लॉय किया। माइंस एंड प्लांटेशन, यहां से क्या लिया? रॉ मटेरियल। फिर इस रॉ मटेरियल को यहां लाए, यूरोप और एशिया, और यहां से ये रॉ मटेरियल क्या बना? फिनिश गुड्स। और इस फिर फिनिश गुड्स को पूरे दुनिया में रोटेट कराया। तो स्लेव्स कहां से? अफ्रीका से। रॉ मटेरियल कहां से? नॉर्थ अमेरिका से। और फिनिश गुड्स कहां से? यूरोप एंड एशिया से। स्लेव्स अफ्रीका, रॉ मटेरियल नॉर्थ अमेरिका, फिनिश गुड्स यूरोप एंड एशिया। दिस इंटरडिपेंडेंसी, राइट, दिस इंटरडिपेंडेंसी दिस इंटरडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स different continents was called as world trade, was called as world trade. This world trade, with the passage of time, this world trade with the passage of time increased the demand of goods to such a level that it went beyond human production. This world trade with the passage of time increased the demand of goods to such a level that it went beyond human production, preparing the ground for a big development in 18th century, that is industrial revolution, preparing the ground for the big development, that is industrial revolution. Therefore mother of modern world, Renaissance, father of modern world, industrial revolution. What is modern world history? The story of transformation from old order to who transformed? Mother and father. किसने बदला? इन दोनों ने बदला। The countries who respected mother and father, they are powerful and developed countries. US, powerful and developed. iPhone,
अब इन चार कंट्रियों की अगर औकात तुम्हें पता करनी है तो इनका प्रोडक्ट देख लो। यूएस का आईफोन, चाइना का वन प्लस, इंडिया का लावा और पाकिस्तान का मोबाइल बम। इनका मोबाइल बम, बोले हम मोबाइल तो ना बना पाएंगे, हम मोबाइल बम बनाएंगे। बस इसी डायग्राम से तुम्हें चारों कंट्रियों की औकात पता चल जाएगी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस। ये दुनिया के योग्य आदमियों को पैदा करते हैं और दुनिया में जहां योग्य पैदा होते हैं उनको बुला लेते हैं, आ जाओ कितना पैसा लोगे? अरे साहब नहीं बताओ, चलो दिया तुमको साल में 100 करोड़। 100 करोड़? लड़का बच्चा बैठा के कंधे पे और बीवी को लेके और बैग वैग लेके पैदल ही जा रहा है, क्या आ रहे हैं भैया? बोले 4 बीघे में मकान देंगे तुमको। 4 बीघे में एक से एक मकान है अमेरिका, तुम जाओ देखो तो। पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी है, भारत से 5 गुना बड़ा है, 30 करोड़ पॉपुलेशन है, जनता है ही नहीं, हाईवे पे निकल जाओ कोई दिखाई नहीं पड़ता। दो 200 की स्पीड पे गाड़ियां भाग रही हैं, अगल बगल हिंटरलैंड में कोई है ही नहीं। वैगनार नहीं, वैगनार तो 80 के बाद चिल्लाने लगती है, रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे। वैगनार तो ये शहर वहर के लिए बनी। शहर वहर के जो लोग हैं, जैसे हम लोग शहर में रहते तो हमको छोटी छोटी गाड़ियां चाहिए, सीएनजी वीएनजी पे चलाने वाली। हमारा बस चले तो हम पानी पे चलाएं। हम भारत के लोग सैलरी चाहते हैं 4 लाख रुपया महीना और पेट्रोल चाहते हैं 15 रुपया लीटर। देखो अमेरिका, आईफोन जैसे लोग, स्मार्ट लोग, लंबे चौड़े गोरे जिम उम जाने वाले लोग, यहां वन प्लस जैसे लोग, यहां लावा आग उगलते लोग, दिलवाग गुटखा खा के सब जगह थूक रहे हैं। लावा ही तो है, मुंह से लावा ही तो निकल रहा है, और क्या निकल रहा है? अरे भैया गलत कह रहे हैं। जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है ऐसे तो यहां के लोगों के मुंह से गुटखा निकलता है, और क्या निकल रहा है? ये अफीम पिए पड़े हैं। इनसे तुम कहते हो इकोनॉमी, शिक्षा, एजुकेशन पढ़े, तुमने कहा इस्लाम कहा? हालत इतनी खराब है, इनकी दयनीय है। बस तुम ये डायग्राम याद रखो, तुम्हें चारों कंट्री की स्थिति पता रहेगी। रिपेयर नहीं करते फोन को, ये नो रिपेयरिंग ऑफ आईफोन, कोई खराबी है वापस कर दो, रिप्लेस कर देंगे। इस जबरदस्त कमोडिटी बना रहे हैं, ले आओ चंद्रमा पे बैठोगे वहां भी नेटवर्क आएगा। इनका टावर के बगल में खड़ा दिखा रहा, दिस इज आउट ऑफ सर्विस एरिया। इनको नेटवर्क की जरूरत ही नहीं, ये कबूतर के आज भी उसी से चिट्टी उट्टी भिजवा रहे। द कंट्रीज हु निग्लेक्टेड एंड मदर एंड फादर, वीक एंड बैकवर्ड कंट्रीज, ईरान, देखो लेडियां वहां, औरतें वहां बुर्के के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, हमें बाहर निकालो, आजाद करो। नहीं लड़ रही हैं? लड़ रही हैं। वो तो वैसी चाचा यहां नहीं जा रहे हैं,
तो यहां की औरतें अगर पढ़ ले, मुसलमान बहुत मारे उनको। लेकिन लेकिन एक बात यहां पे मैं और ऐड करूंगा, ओवैसी का जो कहना है वो एक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। डिसेंसी ऑफ अ ड्रेस इज ऑलवेज अ नोबिलिटी, वो भी कहना बहुत अच्छा है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव से कहना बहुत अच्छा है। किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे, उस मुद्दे पर भी आएंगे। देखो सारा खेल, व्हाट इज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किसने ट्रांसफॉर्म किया? दीज टू फोर्सेस गेव प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर। लिख लो, द टू फोर्सेस गेव प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर विच हैड अ क्लैश विथ ओल्ड ऑर्डर। दीज टू फोर्सेस गेव प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर विच हैड अ क्लैश विथ ओल्ड ऑर्डर। This clash between new and old led to series of revolutions. Pehla 1787 American Revolution, dusra 1789 French, teesra 1917 Russian, chautha 1949 चाइनीज। सारी क्रांतियां आधुनिक युग में हुई है क्योंकि क्लैश हुआ, किसका? न्यू ऑर्डर का और ओल्ड ऑर्डर का। क्लियर? लिखो, द प्रमोशन टू न्यू ऑर्डर लेट टू important developments. Led to important developments in which one of the most important development in the second half of 19th century one of the most important development in the second half of 19th century second half of 19th century was birth of new industrialized nations, birth of new industrialized, underline karo, new industrialized nations, kaun se? Italy 1870, जर्मनी 1871, इटली 1870, जर्मनी 1871। व्हाट इज ऑक्सीजन फॉर इंडस्ट्रीज? ऑक्सीजन फॉर इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल एंड मार्केट, इसके बिना इंडस्ट्रीज नहीं रह सकती। ऑक्सीजन फॉर इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल एंड मार्केट। ठीक, इंडस्ट्री का ऑक्सीजन क्या है? रॉ मटेरियल एंड मार्केट। 1750 इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इन ब्रिटेन एंड फ्रांस, है ना? टिल 1850
दे ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. हु? ब्रिटेन एंड फ्रांस. 1750 इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इन ब्रिटेन एंड फ्रांस. टिल 1850 दे ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, है ना? अब देखना कांड होने जा रहा है, गौर करना. 1850 तक इन लोगों ने लगभग लगभग दुनिया पे कब्जा कर लिया, ब्रिटेन और फ्रांस में. फिर क्या हुआ? 1850 के बाद 1850s बर्थ ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. कौन कौन? जर्मनी और इटली. अब इनको भी चाहिए ऑक्सीजन. 1850s बर्थ ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जर्मनी एंड इटली. अब इनको भी ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन पहले से कौन कब्जा करके बैठा है? ब्रिटेन और फ्रांस. अब तुम कानपुर में रेलवे की ठेकेदारी करती हो, 100 करोड़ रुपया साल में कमाती हो. हम भी आ गए नोएडा से ठेका लेने रेलवे का, तो झगड़ा होगा ना, गोली तो चलेगी ही. रामाधीर सिंह फैजल, ये वॉर क्या है? ठेकेदारी का मामला है. जैसे शहर में गैंग वॉर होती है, ऐसे प्रदेश में होती है, ऐसे राष्ट्रों के बीच में होती है. ठेकेदारी ही तो है. मोबाइल में, लैपटॉप में चिप लगती है, उस चिप का सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन है? ताइवान. ताइवान अमेरिका के कब्जे में है. चाइना सोचता है हम कब्जा कर ले ताइवान पे. बाकी ना तो ताइवान इनकी खाला लगती है, ना उनकी फूफी लगती है. मामला ठेकेदारी का ही तो है. इस दुनिया में जो शाही वर्ग है वो इंटरेस्ट के लिए लड़ता है, और मूर्ख सोसाइटी सोसाइटी में तो इतना झगड़ा करते हैं, अननेसेसरी झगड़ा करते लोग. नोएडा नोएडा में और हर आदमी ऐठा हुआ है. कितना बड़ा ये यूनिवर्स है, जिसने बनाया वो तो ऐठा ही नहीं हुआ है. अगर इस कमरे को यूनिवर्स मान लें तो इस कोने से उस कोने जाने में 100 बिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे. कैलकुलेट ही नहीं हो सकता. 100 बिलियन लाइट ईयर्स. एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है. एक साल में कितनी चलती होगी? और 100 बिलियन लाइट ईयर्स. यहां जो फॉर्च्यूनर पर बैठे हैं वो कड़े ठेकेदारी की लड़ाई हुई दोनों गैंगों के बीच में. कौन सी लड़ाई? द टू वर्ल्ड वॉर्स. लिखो, दिस वॉज फॉलोड बाय द टू वर्ल्ड वॉर्स इन 20th सेंचुरी. दिस वॉज फॉलोड बाय द टू वर्ल्ड वॉर्स इन 20th सेंचुरी. टू वर्ल्ड वॉर्स इन 20th सेंचुरी. The use of atom bomb in Second World War. Next line. The use of atom bomb in Second World War created the threat for the existence of this world. The use of atom bomb in Second World War created the threat for the existence of this world.
एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर मींस मींस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. हु सेड? अल्बर्ट आइंस्टीन. थर्ड वर्ल्ड वॉर मींस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. बट दिस वर्ल्ड कैनॉट सर्वाइव विदाउट वॉर. राइट एंड अंडरलाइन. बट दिस वर्ल्ड कैनॉट सर्वाइव विदाउट वॉर. क्वेश्चन मार्क. ये दुनिया युद्ध के बिना नहीं रह सकती. क्यों? लिख लो. लिमिटेड रिसोर्सेस, 1000 सीट्स फॉर आईएएस, 10 लाख एस्पिरेंट्स. लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस. 1000 सीट. कितने लड़के फॉर्म भर रहे हैं? 10 लाख. लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं. सुबह शाम धवल के रहे, क्रीम लगा रहे हैं बढ़िया वाली, एक्स एक्स का डीओ लगा के बाहर निकल रहे, इसे इसे करते, कोई फर्क नहीं पड़ता. इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है. तुम ब्लैक आदमियों के साथ व्हाइट औरतें देखोगे, लेकिन व्हाइट औरतों के साथ, व्हाइट आदमियों के साथ ब्लैक औरत नहीं देखोगे. ताकत, यहां ताकत का सिद्धांत काम करता है इस दुनिया में. यहां बहुत लोग हिंदुस्तान में मैं देखता हूं गोरा होना चाहते हैं. हमारे दोस्त हैं, उनके भाई को मैं पैसा देना गया, पैसा 5000 रुपया, तो बेचारे शहद वहद लगाए थे. मैं दिया नहीं पैसा. मैंने पूछा ये क्यों लगाए हो? बोले भैया इससे रोशनी आती है. इसमें शहद लगा हुआ है, रोशनी शक्ति से आती है. इसीलिए भगवान को जब दिखाया जाता है तो पीछे रोशनी दिखाई जाती है. आजकल के युवाओं को अजीब सा, चलो लड़कियां हैं उनकी जरूरतें हैं, वो कर रही हूं अलग बात. लड़के बाल में स्पा करा रहे, 2500 रुपए में स्पा हो रहा है, बाल स्ट्रेट करा रहे. राक्षस बन के जाओगे? ठीक है, बाल वाल खड़ा कराओगे? जान है नहीं शरीर में, 35 किलो की शरीर ऐसे लिए चल रहे हैं. मार दो एक हाथ कस के, लेट गए, खत्म. तो साइकिल यात्रा किए थे तो ये आपके डायरेक्टर भी हमारे साथ थे, तभी से तुम्हारी इनकी दोस्ती हुई. हमारे साथ बड़ा यंग यंग लड़के थे, 20-20 साल के, यही उन्नाव में आके रोने लगे. लखनऊ चले, उन्नाव में लेट गए. अरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है सर. मैंने कहा बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो. 22 साल का लड़का अब नहीं चला पाए. फिर मैंने भी उन्हें जन्नत का सपना दिया, चलाओ शादी होगी, लड़कियां देखेंगी तुमको टेलीविजन पे 70 किलोमीटर साइकिल चलाते, तो तुम गांव लौट के जाओगे तो बाद में कुछ लोगों ने शिकायत की कि तुम तो कह रहे थे गांव लौट के जाओगे तो माला पहना, कोई पहना है नहीं. हमने कहा जाने दो, अगली बार. आज का आदमी सबसे ज्यादा बाह्य सौंदर्य पे ध्यान दे रहा है, आंतरिक ताकत पे ध्यान नहीं दे रहा है. और तुमको ताकत ही काम आएगी. नहीं मान लो तुम डीएम हो गए, किसी औकात से तुमको आके कहते कि यार तुम्हारा रंग काला है,
तुरंत लिटा के 4-5 गोली दाग दी उसके मुंह में। तो जिस चीज की कोई उपयोगिता नहीं है उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? साफ सुथरा रहो, इसका मतलब ये नहीं 20 दिन नहीं नहाए, क्लास में आगे बगल वाला बेहोश हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा रहो। साफ सुथरा रहो। शेव करा लिया करो बढ़िया, सुबह सुबह तुम लोग टाइट रहा करो, चश्मा उसमें ला के क्लास में आ करो, लगा करेगी यंग लड़के बैठे हुए। कुछ लोग तो ऐसे लड़के क्लास में आके बैठे हुए तुमको देख के लगता है कि कब छूटे। नहीं नहीं, निराशा में बैठे इसे देख रहे। लड़ाई की तैयारी करो, जीवन संघर्ष के सिवा कुछ है ही नहीं, और संघर्ष का मजा लेना शुरू करो। तुमको जो बताया गया है कि वैभव शांति गाड़ी खरीद लोगे पैसा कमा लो फिर कुछ नहीं करना है, जीवन भर करना है, जिस दिन करना बंद कर दोगे मर जाओगे। पढ़ो इसलिए क्योंकि जागना है, और खूब पढ़ो, ये मन से निकाल दो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस तो तुम बन ही जाओगे, आईएएस तो बनना ही है, क्यों नहीं बनोगे यार, मेहनत करोगे क्यों नहीं बनोगे, नहीं बनोगे तो नेता बन जाओगे, इतना पढ़ लोगे भाषण देना जाके, इतना बोल दो संविधान के ऊपर कि 2-3 लोग बेहोश हो जाएंगे, अरे भैया बस। तुम्हारी अज्ञानता ही तो तुम्हारा डर का कारण है। लड़ाई होगी, लेकिन अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो सब खत्म, फिर लड़ाई कैसी? तो फिर यहीं से एक नई तरह की लड़ाई शुरू हुई, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। लिखो, दिस गेव प्रमोशन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट, दिस गेव प्रमोशन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट, दैट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, द वॉर फॉट बिटवीन, द वॉर बिटवीन कैपिटलिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस एंड कम्युनिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसएसआर, द वॉर फॉट बिटवीन कैपिटलिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस एंड कम्युनिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसएसआर फॉर द That is Cold War. The war fought between capitalism under the leadership of US and communism under the leadership of USSR for the dominancy of this world. For the dominancy of this world. Dominancy. 1991, disintegration of USSR. 1991, USSR का विघटन, disintegration of USSR. And US became super power. अमेरिका बना super power. तो modern world history की कहानी कहां से शुरू हुई? इस्लाम. इस्लाम टू क्रूसेड, क्रूसेड टू रेनेसांस, रेनेसांस टू वर्ल्ड ट्रेड, सॉरी रेनेसांस टू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज टू वर्ल्ड ट्रेड, टू इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन, टू बर्थ ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, टू
टू वर्ल्ड वॉर्स, टू कोल्ड वॉर, टू विघटन, 91 यूएसएसआर का विघटन, ये है पूरा मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। इस सारे टर्म को ऐसे ऐसे लिखना है एक लाइन में, और इस पेज को फाड़कर अपनी नोट्स के पहले पेज पे पेस्ट करना है। यहां पे जो तुम्हारा नोट्स की कॉपी है उसके यहां पे पेस्ट करना है इस पेज को। तो जब तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सारी कहानी इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम्हें जर्मनी और इटली का जन्म समझना है तो पहले औद्योगिक क्रांति समझो। भारत का राष्ट्र के रूप में जन्म किस रिएक्शन की वजह से हुआ? इकोनॉमिक रिएक्शन। किस इकोनॉमिक रिएक्शन ने भारत को जन्म दिया? इकोनॉमिक रिएक्शन ने भारत को जन्म दिया? इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन में कौन सा रिएक्शन? हर देश में अलग अलग रिएक्शन हुआ ना, भारत में कौन सा हुआ? सारा आजादी का इतिहास उसी रिएक्शन पे टिका हुआ है। किस आर्थिक रिएक्शन ने भारत को जन्म दिया? कॉटन चेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन जर्मनी में हुआ? कोल एंड आयरन चेन रिएक्शन। अभी पढ़ेंगे सब, बड़ी मजेदार कहानी है, सब बड़ी बड़ी चीजें पता चलेंगी। इसको ये देखो, ये तुम्हारा सिलेबस है, ये तुम्हारा जो सिलेबस है वो ये, बस इससे ज्यादा नहीं, यही तुम्हारा सिलेबस। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री यहां से शुरू होती है। ये सब इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने कहा ना, हमारी शिक्षा प्रणाली ने सिर्फ परसेंटेज को लेकर पढ़ाया बच्चों को। पढ़ लो, आईआईटी क्वालिफाई कर लो, मेडिकल क्वालिफाई कर लो, बस नौकरी कर लो, तुम्हारी शादी हो जाए, उससे बड़ा दुनिया में इस देश में कोई सपना ही नहीं है। जैसे हर आदमी सिर्फ शादी करने के लिए पैदा ही हुआ है। इस देश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है शादी। माँ कहते हैं कि भैया वो तुम्हारी शादी कर दें किसी तरह। शादी तो हो ही जाएगी, ऐसी कौन सी बड़ी बात। उससे बाहर निकलो, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसको पहचानो, दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मंत्री बनेगा, सब बनेगा। वो सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसको मजा आएगा वो साइंटिस्ट बनेगा, उसको मजा आएगा वो राइटर बनेगा। आईएएस नहीं बनेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। ये है तुम्हारा पूरा सिलेबस। कल पहला चैप्टर शुरू करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कल मिलेंगे, थैंक यू। आओ आओ आओ, एनसीईआरटी बताते हैं।